साक्षी जी जुड़ चुके हैं। सुप्रभात, स्वागत है आपका साक्षी जी इस ऑनलाइन कक्षा में। चूंकि समय भी हो चुका है और विद्यार्थी भी कम है, चले विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। मैं विषय पे आता हूँ, विषय को आरंभ करता हूँ। तो सुप्रभात आप सभी का, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा श्रृंखला में। साक्षी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी साक्षी जी, स्वागत है आपका पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में। आज का जो विषय है वो आप लोगों के ऑनर्स पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों के इलेक्टिव पेपर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत AECC 2 के पेपर के दौरान आज हम लोग MIL हिंदी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आज हम लोग मुख्य रूप से कविताओं पर चर्चा करेंगे, और कविताओं में, इन कविताओं में हम कबीर, तुलसी, प्रसाद निराला और अज्ञेय, इन 5 कवियों की कविता पर चर्चा करने वाले हैं। तो चूंकि 5 कवि हैं, इनकी कविताएं हैं, तो ये स्वयं में अपने आप में एक थोड़ा सा पाठ हो जाएगा, इसलिए बिना वक्त को जाया किए हम लोग सीधे मूल विषय पे आते हैं, मूल विषय पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात जो होगी वो कबीर पे होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पर आलोचना करते हैं, व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलती है कि हिंदी साहित्य मुख्य रूप से 4 धाराओं में बटी हुई है। 4 धाराओं से हिंदी साहित्य को बांटा गया है, विभाजित किया गया है। वो 4 धाराओं के बारे में आप लोगों को पहले से ज्ञात होगा, वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इन्हीं 4 कालखंडों के अंदर आज हम लोग शुरुआत भक्ति काल से करेंगे, क्योंकि कबीर और तुलसी जो भक्ति काल में आज के हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसे हमें पढ़ना है, वे दोनों ही भक्ति काल के अंतर्गत आते थे। तो पहली बात भक्ति काल पे होगी, भक्ति काल से फिर आगे बढ़ते हुए हम निराला, अज्ञेय और प्रसाद के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आज के समय में आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो भक्ति काल की परंपरा को जो हम जानते हैं, जब हम आदि काल की बात करते हैं हिंदी साहित्य में, आदि काल और हिंदी साहित्य के पहले आदि काल को बात करने से पहले आप लोगों के काल क्रम को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना काल क्रम से आप हिंदी साहित्य को नहीं जान सकेंगे। तो जब हम आदि काल की बात करते हैं, तो आदि काल का कालखंड जो होता है मुख्य 1000 से लेकर के 1050 ईस्वी तक का है। मतलब 1000 से 1050 ईस्वी तक का आदिकाल का कालक्रम। उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं भक्ति काल, आदिकाल 1000 से लेकर के 1350, माफ कीजिएगा, 1050 में 1350 है आदिकाल। भक्ति काल जो है वो 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक का रहा है। रीति काल, ये आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, आदिकाल जो है 1000 से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल 1850 से अब तक। मतलब आज के समय की आप और हम जो साहित्य पढ़ रहे हैं वो साहित्य आदि आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के संदर्भ में वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल से पहले मैं हल्की फुल्की रूपरेखा आप लोगों को आदिकाल की दे दूं। आदिकाल की जब हम बात करते हैं, वह काल जब हिंदी साहित्य धीरे धीरे उभर रहा था। उभर रहा था किन रूपों में उभर रहा था? लेखनी के रूपों में, साहित्य के रूपों में उभर रहा था। उभरना उसने शुरू किया था, और उस समय आज की जो हिंदी पढ़ते हैं वह भाषा नहीं थी साहित्य की। उस समय साहित्य की भाषा मूल रूप से संस्कृत, वैदिक और लौकिक संस्कृत, दो भागों में संस्कृति बढ़ जाती है। एक जो है वेदों की भाषा की संस्कृत, लौकिक वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो आम जनमानस बातचीत करते हैं। जैसे आप और हम जब बातचीत करते हैं तो हम लोग साहित्यों का उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वही जब आप और हम साहित्य का पठन पाठन का कार्य करते हैं, तो उसमें हम साहित्य के जो भी मानदंड रहे हैं, वही की व्याकरण रही है, व्याकरण की शुद्धता रही है, गुण दोष रहे हैं, इनका ध्यान रखते हैं, पद, सर्वनाम, संज्ञा, इन सबों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद एक वाक्य का निर्माण होता है, कि वाक्य से आगे बढ़ते हुए पैराग्राफ, पैराग्राफ से बढ़ते हुए एक पन्ना, दो पन्ना, इस तरह से निर्माण होता है। वही काल जो है, यही चीज उस समय में आदिकाल में भी लागू होती थी। आदिकाल में मुख्य रूप से संस्कृत में ही सारी रचनाएं वगैरह होती थी। धीरे धीरे संस्कृत से बात आगे बढ़ते बढ़ते अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से होते हुए फिर उसका सुदूर रूप बहुत आगे चल करके रीतिकाल के उपरांत में जाकर के हल्की फुल्की जो आज की हिंदी आप लोग देखते हैं, ब्रज की भाषा हुई, अवधी हुई, अवधी से बढ़ते बढ़ते फिर आज के समय की जो हिंदी हम लोग आप और हम देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी, तो उस रूप में प्रभावित हुआ, जिसमें लौकिक और वैदिक संस्कृतों में लिखी जाती थी उस समय, और एक भाषा भी बहुत ज्यादा देखी जाती है जो उस समय में चलती थी,
लौकिक लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश पाली, पाली भाषा उस दौर में और एक भाषा के रूप में देखी जाती थी। पाली भाषा में भी कई सारे रचनाएं वगैरह होते थे। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का आदिकाल बढ़ता गया है। आदिकाल के बारे में और एक चीज है कि उस काल में लोग ज्यादातर अपने जो एक, क्योंकि उस समय देश इतना बड़ा नहीं था, उस समय की जो सत्ता थी वो छोटे 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 कालखंडों में विभाजित थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित थी। जैसा ये घराना, वो घराना, वो घराना, इस तरह से राजा महाराजाओं, तो ज्यादातर कवि क्या उस दौर में राजा महाराजाओं के यहाँ रहा करते थे और उनकी ही गाथा की चर्चा किए जाते थे। इसलिए इस आदिकाल को कई जगह कई साहित्यकारों ने वीरगाथा काल ही कहा है, क्योंकि जब आप एक जगह रहते हैं, एक राजा के ही शासन व्यवस्था में, उसके राज्य में रहते हैं, तो आपके साहित्य में कुछ नई चीज नहीं लेकर निकल के आएगी, क्योंकि वो राजा ही आपका पालन करता है, राजा से ही आपको भोजन मिलता है, राजा के यहाँ ही आपका सहारा है, आपका आश्रय है। तो आपके साहित्य में क्या निकलेगी? आपके साहित्य में राजा की ही चर्चा निकलेगी। तो उस साहित्य में भी राजाओं महाराजाओं की ही ख्याति की जाती थी कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा राजा ये करता है, वो करता है। आदिकाल के संदर्भ में उन साहित्यों में ये सब चीजें लिखी जाती थी जो मुख्य रूप से उभर कर आती थी। उसके उपरांत जब हम देखते हैं, जो आज हम चर्चा करेंगे कबीर और तुलसी की, वो दोनों आएंगे भक्ति काल के संदर्भ में। भक्ति काल की जब हम बात करते हैं 1350 से लेकर के 1600-1650 ईस्वी तक की, तो भक्ति काल में क्या हुआ आप लोगों को पता है कि आदिकाल 1000 से 1350 के संदर्भ में जब आदिकाल समाप्त हो रहा था, उस समय भारत में, हमारे देश में बाहरी आततायियों, आक्रमणकारियों का प्रवेश धीरे 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 आना शुरू हुआ। उसके अनेक कारण थे, अलग पक्ष हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हल्की फुल्की ये समझ लीजिए कि शुरुआत हुई थी व्यापार से, व्यापार के संदर्भ में वो भारत आया, भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए। उसके उपरांत उन्होंने धीरे 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 अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया, धर्म के साथ फिर कट्टरता आई, कट्टरता के साथ फिर उन लोगों के आक्रमण देखिए, आम जनमानस पे उनके जो क्रूरता है वो देखिए। क्रूरता अनेक संदर्भ में हुई, चाहे आपके साहित्य को प्रभावित करने के लिए क्रूरता हुई, आपके संस्कृति को प्रभावित करने के लिए क्रूरता हुई, आपके धर्म को प्रभावित करने के लिए क्रूरता हुई। तो उससे पहले क्या होता था, आदिकाल में राजा महाराजाओं के यहाँ लेखक कवि रहा करते थे, उनके सब कुछ राजा महाराजा थे। लेकिन जैसे ही आतताइयों का आक्रमण हुआ, वो एक साथ तीन चार आतताई मिलकर के एक राजा पे, राजा का सल्तनत छोटी सी होती थी, वहां आक्रमण कर देते थे। जब आक्रमण होता था तो वो जो लेखक वर्ग है, जो साहित्य का निर्माण कर रहा था आदिकाल के दौर में, वो कहाँ जाए? क्योंकि तो उसका तो सब कुछ राजा है, उसने तो अपने जीवन के आधे से ज्यादा समय उस राजा की ही ख्याति में, उस राजा के गुणगान में अपना समय व्यतीत कर दिया। अब वो कहाँ जाए? तो अब वो कहाँ जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो कहते हैं ना, जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उस समय की आवश्यकता थी, अब कौन हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा राजा तो हार गया, हमारा राजा तो वीरगति को प्राप्त हुआ, हमारा राजा को मार दिया गया, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती, तो वहां पे एक आविष्कार हुआ भक्ति काल का। अब वो जो लोग थे जो आतताइयों से परेशान थे, आक्रमणकारियों से परेशान थे, वो आ गए भक्ति में, भगवान की शरण में, कि हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। उसे आप किन्हीं रूपों में मान सकते हैं, तो हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे उसके, फिर आगे चल के बहुत सारे रूप बट गए। तो हमारी रक्षा ईश्वर करेगा। तो ईश्वर जब रक्षा करेगा, तो देखिए साहित्यकारों की एक, आज के नहीं, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस दौर के साहित्यकारों की एक थी कि जहाँ सत्ता वहां साहित्यकार झुक जाते थे। तो यहाँ सत्ता तो नहीं, लेकिन अपनी जीवन की रक्षा करनी है। जीवन की रक्षा किस संदर्भ में? आतताइयों से बचने के लिए। जीवन की रक्षा किस संदर्भ में? उनकी लेखनी, उन्हें क्या आता है साहित्यकार को? क्या आता है? लिखना आता है। तो अपने लेखन के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट कर रहा था। तो उस दौर में भक्ति के संदर्भ में रचनाएं शुरू हुई, तो वो काल फिर भक्ति काल कहलाया जाने लगा, क्योंकि जितने भी उस दौर में लेखक थे वो धीरे 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 भक्ति मार्ग की ओर चले। वो ये सोचते थे कि ईश्वर आएंगे, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे आतताइयों से, तो उसके लिए क्या करेंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। ईश्वर ऐसे थोड़ी जाते हैं, पहले हम लोगों ने सुना था कि 100, 150, 200, 300 साल तपस्या की जाती थी, तब ईश्वर आते थे, ईश्वर आशीर्वाद देते थे, वरदान दे करके जाते थे। तो वह एक मनोस्थिति हमारे मानस में बहुत पुराने काल से हम लोगों की, आपके हमारे मानस में डाल दी गई है। वही इस काल के साहित्य में देखने को मिला कि लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया, उन्होंने भक्ति के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए रचनाएं लिखी, ईश्वर की जय गान किया कि ईश्वर ये है, वो है, ईश्वर इतने शक्तिशाली है। उससे आगे बढ़कर के इस दौर में थोड़ा सा, अगर आप गौर से गहराई से पढ़ेंगे इस दौर में,
ये देखेंगे कि उस दौर में दान पान का भी एक प्रचलन शुरू हो गया कि ईश्वर को, अच्छा ईश्वर को ये पसंद है, इस ईश्वर को वो पसंद है, इस ईश्वर को वो पसंद है, इस ईश्वर को ये भोग चढ़ाओ तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। ये एक तरह का अलग सा पाखंड शुरू हो गया उस दौर में। इसी दौर में जब भक्ति काल की हम चर्चा करते हैं, तो भक्ति काल आगे बढ़ते हुए फिर उसमें भी, क्योंकि हर काल में हल्की फुल्की रहते हैं ना लोगों में, जब लोगों की संख्या होती है तो भिन्नताएं आती है, तो इस दौर में भी वही हुआ। ये दौर जब आरंभ होता है भक्ति काल, तो यहाँ पे भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। ये भिन्नता किस रूप में? आस्था के रूप में। ये भक्ति काल में मुख्य रूप से आस्था के रूप में, जो शुरुआत में तो सिर्फ दो खंडों में विभाजित हुआ, एक शैशव और वैष्णव मत में। ये आपके पाठ्यक्रम उतना नहीं है, बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भक्ति काल जब आरंभ होते हैं तो मुख्य रूप से दो धारा में बढ़ जाती है, एक शैशव एक वैष्णव। वैष्णव यानी कि जो उत्तर भारत के पक्ष पे थे, वे वैष्णव मत यानी कि शिव के भक्ति काल में शिव जी है वही हमारे ईश्वर है। जो नीचे वाले हो गए वैष्णव मत, वो विष्णु को मानने लगे, तो वहां पे एक, इसके बाद ये धारा पे थोड़ी सी आगे बढ़ी, आगे चलकर कि ये थोड़ी सी अपने आप में और विभाजित हुई। और साहित्य ने इसे दो कालखंडों में विभाजित किया, साहित्य की बात कर रहा हूँ, साहित्य ने इसे दो खंडों में विभाजित किया। जो भक्ति काल है वो आगे बढ़ के दो खंडों में विभाजित हो जाती है, एक है निर्गुण एक है सरगुण। ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान सुनिएगा, याद रखिएगा कि भक्ति काल जो है आगे चल करके दो कालखंडों में विभाजित होती है। आदिकाल नहीं विभाजित होती है, पर भक्ति काल दो खंडों में विभाजित होती है। कौन सी? पहला निर्गुण भक्ति, दूसरा सरगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में वे ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते थे, ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते थे। जैसा आप और हम आज जो भी सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाला है, हम लोग ईश्वर के किसी एक रूप को मानते हैं ना, जैसा आज पावन श्रावण का आज पहला सोमवार, हम लोग शिव के एक रूप को मानते हैं ना, कि शिव ऐसे हैं वे हिमालय पर बैठते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, जटा है, उनके गले में नाग सांप विराजते हैं, माथे पे चंद्र विराजती है, जटाओं में गंगा विराजती है। ये एक हम लोगों ने एक रूप बना कर रख दिया है, जिसे सगुण भक्ति। आप और हम जिस मूर्ति को या किसी छवि को मानते हैं, तो हम लोग सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। और वही एक शाखा दूसरी शाखा चलती है जो किसी भी रूप को नहीं मानती है, ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानती है। ईश्वर यानी कि ईश्वर है, अनंत है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, लेकिन है वो एक सत्ता है, एक शक्ति है, जो आपको और हमें मुख्य रूप से मार्गदर्शन करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें जीवन देती है। तो भक्ति काल में भी यही दो खंडों में विभाजित होता है साहित्य, एक है निर्गुण में एक है सगुण में। यह निर्गुण भक्ति धारा जो है वो आगे चलकर फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब पहला भक्ति विभाजित होती है दो में, एक होता है निर्गुण एक होता है सरगुण। फिर यह निर्गुण और सरगुण आगे चलकर दो में विभाजित होता है। निर्गुण विभाजित होता है संत काव्य, जिसे ज्ञानश्रय शाखा कहा जाता है, संत काव्य धारा जिसे ज्ञानश्रय शाखा कहा जाता है। दूसरा सूफी काव्य, जिसे प्रेमाश्रय शाखा माना जाता है। ये निर्गुण भक्ति के दो रूप है। निर्गुण भक्ति का पहला रूप है संत काव्य ज्ञानश्रय शाखा, दूसरा है सूफी काव्य प्रेमाश्रय शाखा। और संत काव्य जो ज्ञानश्रय शाखा है, उसके प्रतिनिधि कवि जो है कबीर रहे हैं, और वहीं सूफी काव्य जो प्रेमाश्रय शाखा रहे हैं, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी रहे हैं। तो भक्ति काल जो है दो खंडों में विभाजित होती है, पहला है निर्गुण भक्ति जिसमें दो धारा है, संत काव्य सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानश्रय शाखा कहा जाता है, सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा माना जाता है। संत काव्य जिसे ज्ञानश्रय शाखा माना जाता है, इसके प्रतिनिधि कवि कबीर रहे हैं। सूफी काव्य जिसे प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी रहे हैं। वहीं दूसरा जो है सरगुण भक्ति, जिसे आप और हम आज के समय मानते हैं ईश्वर के किसी रूप को, वह फिर दो खंडों में विभाजित हो जाती है। वह दो खंड कौन से? कृष्ण काव्य राम काव्य। कृष्ण काव्य को जिसे साक्ष्य भक्ति काव्य कहा जाता है, राम काव्य जिसे दास भक्ति कहा जाता है। कृष्ण काव्य में प्रतिनिधि कवि रहे हैं सूरदास, और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि रहे हैं तुलसीदास। तो यहाँ तक स्पष्ट हुआ कि भक्ति काल दो खंडों में विभाजित होती है, निर्गुण भक्ति सरगुण भक्ति। फिर आगे चलकर ये दो खंडों में विभाजित होते हैं, निर्गुण भक्ति दो खंडों में, संत काव्य और सूफी काव्य, सरगुण भक्ति कृष्ण काव्य और राम काव्य। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर हुए, सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जायसी हुए, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हुए,
राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हुए। अब आगे बढ़कर के हमें, चूंकि जायसी असुर पे यहाँ चर्चा नहीं करनी है, यहाँ मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में कबीर और तुलसी की चर्चा करनी है, तो और ये पाठ्यक्रम भी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़कर के सीधे कबीर पे आता हूँ। कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति के संत काव्य परंपरा से थे, ज्ञानश्रय शाखा, जिसमें कबीर महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। ज्ञानश्रय का क्या होता है? देखिए, निर्गुण भक्ति, एक तो हम लोग जान गए कि निर्गुण जो ईश्वर के किसी भी रूप में वो नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, सर्वगुण मानता था ईश्वर के एक रूप है जिसमें आप और हम आते हैं। सनातन परंपरा जो आज की रही है, जिसके अंतर्गत आप और हम ईश्वर के किसी रूप को मानते हैं, हम और आप आते हैं। निर्गुण भक्ति जो ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते थे, उसमें फिर आप ये कहेंगे सर वो तो कोई रूप को नहीं मानते, तो उसमें फिर दो धारा क्या बची? तो जो पहली धारा है संत काव्य, जिसके ज्ञान, जिसे ज्ञानश्रय शाखा कहते हैं, जिसके अंतर्गत कबीर आते हैं, तो यह वो धारा थी जो ज्ञान को मानती थी, किसी रूप को नहीं मानते थे। लेकिन किसी रूप को ना मानने में भी एक दो धारा में बटी। एक धारा हुई जो कि ज्ञान को सब कुछ माना भक्ति, मतलब जिसने ज्ञान की भक्ति की, जिसमें कबीर आते हैं, और एक है प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं, इसने प्रेम को ही भक्ति माना। ज्ञानश्रय ने ज्ञान को भक्ति माना, प्रेमाश्रय ने प्रेम को भक्ति माना। निर्गुण काव्य की ये दो धारा है, संत काव्य सूफी काव्य। संत ज्ञान को भक्ति मानती है, सूफी काव्य जो है वो प्रेम को भक्ति मानती है। तो जो कवि थे वो संत काव्य धारा के थे, ज्ञानश्रय शाखा के थे, वो मुख्य रूप से ज्ञान की, मतलब ज्ञान को ही वो मुख्य रूप से भक्ति मानते थे। वो मानते थे कि ज्ञान जो है वही भक्ति है, प्रेम भक्ति नहीं है, मूर्ति पूजन भक्ति नहीं है। तो ये मुख्य रूप से कबीर का मानना था, जो कि इस धारा के प्रतिनिधि कवि कवि के रूप में देखते हैं, आप और हम देखते हैं। तो संत कवियों में प्रमुख कबीरदास है। इसके अतिरिक्त और कौन हुए? यह भी है ना कि आप और हमारे दिमाग में आता, ठीक है कबीर तो हुए और भी कुछ लोग रहे होंगे ना उस धारा में, तो हाँ उस धारा में बहुत सारे कवि हुए, जिसमें मुख्य रूप से, दादू दयाल नाम याद रखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दादू, जिसे आप और हम साहित्य में दादू दादू कवि दादू के नाम से जानते हैं, दादू दयाल उनका पूरा नाम था, हुए थे। सुंदर दास थे, नानक थे, नानक जिन्हें आप और हम जो भी शिख संप्रदाय के हूँ आप में और हमें मानने वाले, उनको नाम सुना होगा, नानक, गुरु नानक जिन्हें रूप हम जानते हैं, नानक थे, रैदास थे, मलुक दास थे। ये मुख्य है इस काव्य, इस संत काव्य की परंपरा के मुख्य कवि ये थे। कौन थे? दादू दयाल, सुंदर दास, नानक, रौदास, मलुक दास, ये मुख्य महत्वपूर्ण कवि थे इस ज्ञान, ज्ञानश्रय शाखा के मुख्य कवि कवि थे। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इस काव्य धारा की मुख्य विशेषता थी निर्गुण उपासना, निर्गुणोपासना, मतलब निर्गुण जो है, हम और आप किसी अस्तित्व की बात नहीं करते हैं, हम लोग किसी अस्तित्व को नहीं मानते, हम लोग किसी छवि को नहीं मानते, हम ईश्वर के निर्गुण रूप को मानते हैं। ईश्वर के निर्गुण रूप का एक मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत लोग सुबह सवेरे उठ करके आसमान की ओर देख करके जल चढ़ाते हैं, कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य क्या कोई रूप है क्या? कोई सूर्य को गोल भी दिखाता है, आप मंदिर जाएंगे सूर्य मंदिर में तो सूर्य का एक मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, तो उसका कोई रूप नहीं, वो आपने बना लिया, लेकिन मुख्य रूप से कोई रूप नहीं, हम लोग सिर्फ आसमान की ओर देख करके जल चढ़ाते हैं। वहां पे कोई आपको ईश्वर नहीं देखने को मिलता, खुला आसमान, नीला आसमान, अंबर आपको देखने को मिलता है। तो यह जो है, यह एक तरह से निर्गुण उपासना के अंतर्गत ही आता है। दूसरी फिर इसकी अगर विशेषताएं कहें, इस काल की दूसरी विशेषता रही है ज्ञान की महत्वता, मतलब इस काल ने ज्ञान को महत्वता दिया है। जैसे आपने कबीर को कभी पढ़ा होगा या कहीं आप लोगों ने सुना होगा, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह कहने का अर्थ कबीर होती था। कबीर ने तंज कसते हुए, जो मूर्ति पूजन है उस पर तंज कसते हुए कहा कि तुम एक पत्थर को ला करके पूजते हो, उस पर फूल माला चंदन चढ़ाते हो, प्रसाद लगा देते हो, और प्रसाद बाद में तुम ही खा जाते हो, तुम कहते हो तो भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो उसका 1% भी तो कहीं जाता नहीं, कोई तो खाता नहीं है। तो वैसी पे ज्ञान की महत्ता, तो कबीर ने कहा कि अपने ज्ञान की महत्ता को मानो, कि आपने ठीक है आप ईश्वर को मानो उसमें कोई हर्ज नहीं, पर ईश्वर जो है उसके ज्ञान की महत्ता को मानो, आप ज्ञानी बनो। ऐसा नहीं कि बैठ के आप भजन करोगे तो ईश्वर आपको पेट भर देगा, आप भजन करोगे तो ईश्वर आप मुंह में आप क्या खाना
खाना दे देगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ज्ञान की महत्ता महत्वपूर्ण है, आप ज्ञानी बनो। आपकी जो हम लोगों ने एक हमारे घर में कहावत चलती है कि पहले आप जब हम हिंदी साहित्य में अगर आप आ लिखते होंगे तो क ख की जब हम बात करते हैं तो पहले क आता है फिर ख आता है। क का अर्थ होता है कर्म, पहले कर्म तो फिर ख, यानी कि फिर खाना। ये हमारे गांव देहात की एक मुहावरा है, मैंने इसलिए रखा कि ज्ञान की महत्ता। कर्म क्या कब आता है, जब आप ज्ञान से अपने कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म, कर्म के बाद ही ख आता है, यानी कि खाना, कर्म के बाद ख, ख से खाना। आप कर्म करोगे तभी आपको खाना की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके पेट भरेगा। तो ज्ञान की महत्ता के यही उदाहरण है कि पाथर पूजे तो पाथर पूजे हरी मिले तुम्हें पूछो पहाड़। तो कबीर ने कहा कि अगर तुम इतने छोटे से पत्थर को लाके पूजते हो तुम्हारा सब कुछ भला हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सुबह शाम बस उसे भक्ति करो, घंटी बजाओ और दिया दिखाओ, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, तुम छोटा सा पत्थर को पूज रहे हो, मैं जाता हूँ पूरा एक पहाड़ पूजता हूँ, तब तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तुमसे बेहतर मिलेगा, तुमसे अच्छा मिलेगा ना। उन्होंने तंज कसते हुए कहा। तो यह एक विशेषता रही है इस ज्ञान मार्गी शाखा की। तीसरी एक विशेषता रही है गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता कहने का अर्थ है कि आप और हम गुरु के, जैसा कल गुरु पूर्णिमा था, आप लोगों को ने बहुत लोगों को बधाई दी होगी जिन्हें आप लोगों ने गुरु माना। तो गुरु की महत्ता का अर्थ ये नहीं कि आपने, आपके गुरु ने आपको, आपने एग्जाम दिया, आपके जिस गुरु ने आपको अच्छा नंबर दिया वो गुरु बहुत अच्छा हो गया, और दूसरा गुरु जिसने आपको कम नंबर दिया वह गुरु खराब हो गया, ऐसा नहीं है। कबीर का या प्रेमार्गी ज्ञान मार्गी शाखा का गुरु की महत्ता विशेषता कहने का संदर्भ यह है कि गुरु की महत्ता आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण ऐसे कि गुरु आपको निखारता है, आप अपने, आप कितने काबिल हो, आप क्या कर सकते हो, ये आपको ज्ञात नहीं होता, आपको गुरु को ज्ञात होता है। तो गुरु आपको सही मार्ग प्रदर्शित कर सकता है। गुरु के मन में कभी भी अपने शिष्य के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे बहुत आगे जाए, उसमें उसे संतोष की प्राप्ति होती है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसने कहा है कि गुरु की महत्ता इंपॉर्टेंट है। आप और हम सिर्फ एक पत्थर को ला करके पूछ देंगे, पत्थर हमारा कहीं मार्गदर्शन नहीं करेगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, गुरु। गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान के माध्यम से हम कर्म करेंगे, और कर्म जब हम करेंगे तो ही हमें किसी चीज की प्राप्ति होगी, चाहे भोजन की हो या चाहे अनेक प्रकार की सुख की हो, हमें ज्ञान की बदौलत ही प्राप्ति होगी। ज्ञान तक हमें पहुंचाने का कार्य जो है वो हमारा गुरु करेगा। तो यह मुख्य इस काल की, मैंने ज्ञान मार्गी शाखा की मुख्य विशेषता यह रही है, और जिसे आगे बढ़ाते हुए कबीर ने, जिसे आगे बढ़ाते हुए कबीर ने बहुत सारे, कबीर ने अगर हम बात करें, कबीर ने बहुत सारे अपने उपदेशों से, कबीर ने अपने वाणी से बहुत सारे बात कही है। जैसा गुरु की महत्ता को मैं आपको समझाऊं तो एक बहुत कबीर का एक बहुत अच्छा साखी है ना, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु को, इसका आप लोगों को बहुतों को पता होगा, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े मेरे सामने, मेरे गुरु भी है, गोविंद गोविंद यानी कि ईश्वर वो भी खड़े हैं, काकू लागू पाए मतलब पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं, किसके पांव छूं, बलिहारी गुरु आपने, इसमें भी गुरु का मतलब है कि गुरु आप बताओ कि मैं पहले पांव किसके छूं, गोविंद के छूं कि आपके छूं। तो इसमें भी आपके सामने ईश्वर है, पर ईश्वर से बड़ा आपके लिए गुरु है, क्योंकि गुरु से आपको पता चलता है कि आपको पांव किसको छूने हैं, कौन महान है, कौन बड़ा है, आपके जीवन में किस मार्ग पे आपको चलना है, आप कितने काबिल हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप किस ज्ञान को पा सकते हो, उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए आपको किन मुख्य धाराओं से गुजरना पड़ेगा, क्या कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए गुरु की महत्ता को इस काल ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, जिसे जब हम देखते हैं तो सरगुण ने उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। सरगुण ने ईश्वर के रूप को महत्वपूर्ण दिया है, गुरु को महत्वपूर्ण नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं अगर इसके और कुछ एक दो पे मैं और चर्चा कर देता हूँ, और एक दो इसके मुख्य विशेषताओं की बात करें भक्ति काल के, तो अद्वैतवादी विचारधारा भी एक है। अद्वैतवादी से क्या संदर्भ है, अद्वैतवादी से संदर्भ है संत काव्य की विचारधारा, संत काव्य की, क्योंकि ये जो धारा है ये संतों की है, संत काव्य की, जिसको प्रतिनिधि कवि कवि रहे, जैसा मैंने पहले ही कहा है। तो संत काव्य की विचारधारा अद्वैत दर्शन से पर्याप्त साम्य रखती है। अद्वैत दर्शन मतलब आपको किसी भी, यहाँ पे किसी एक रूप की आपको लालसा नहीं है। अद्वैतवादी विचारधारा, आपने अद्वैत मतलब निराकार रूप को, ईश्वर के निराकार रूप को आपने माना, मतलब उसका कोई रूप नहीं है कि ईश्वर
ऐसे दिखते हैं कि उनके एक सूंड है, इतने बड़े बड़े कान है, ऐसा नहीं दिखते हैं। ईश्वर जो है अद्वैत है, मतलब वो अद्वैत है, वो दिखता नहीं है, पर वो आपको हमें हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ईश्वर को कबीर ने निर्गुण निराकार मानते हुए उसे सर्वव्यापी माना है। कबीर उसे सर्वव्यापी, मतलब वो हर जगह है ईश्वर के। अगर आपको देखना है तो ऐसा नहीं आपको किसी धार्मिक स्थल में जाने की जरूरत है, ईश्वर आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। मतलब आपके हमारे अंदर भी एक ईश्वर है, जहाँ जीव है वहाँ ईश्वर है। उन्होंने जीव को ईश्वर का प्रतिरूप माना है, यानी कि ईश्वर का प्रतिरूप जीव है। जैसा कि गुरु, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की, तो गुरु जो है वो ईश्वर का प्रतिरूप है, यानी कि ये ईश्वर है, इनके अंदर ईश्वर विराजमान है। गुरु हमसे अगर कुछ काम करवा रहे हैं, हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं, हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो गुरु नहीं, वो ईश्वर, गुरु के माध्यम से वो कार्य कर रहा है। क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें, ज्ञान की प्राप्ति करें। तो ये अद्वैतवादी विचारधारा का कहना है, जिसके अंतर्गत एक कबीर के बहुत प्रसिद्ध दोहे हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तुत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि लाली देखो मेरे लाल की, मेरे ईश्वर की लाली देखो, ज्ञान की लाली, ललाट जिसे हम कहते हैं ना, जो बहुत ज्ञानी होता है उसके जो माथे होते हैं ललाट रहता है। तो वही कह रहे हैं कि लाली मेरे लाल की, मतलब मेरे ईश्वर की लाली को देखो, जित देखो तुत लाल, मतलब ईश्वर में इतना ज्यादा रम गया हूँ, मेरे ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे ज्ञान दिया है, मैं अपने ईश्वर के प्रति इतना समर्पित हो गया हूँ कि मेरा ईश्वर लाल है, मुझे चारों तरफ जहां भी मैं देख रहा हूँ वहां मुझे लाल ही देखने मिल रहा है। जब मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ तो मैं भी लाल सा नजर आ रहा हूँ, मतलब मैं ईश्वर में इतना ज्यादा रम गया हूँ। तो इसी पे कबीर ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो अद्वैत बात की ही भांति संत काव्यों ने जीव एवं ब्रह्म को एकता को स्वीकार किया है। मतलब हर एक जीव समाज में, आपके और मेरे आसपास जितने जीव है, वो हर कोई ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। हर किसी के अंतर ईश्वर कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो अद्वैतवादी विचारधारा को एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है इस काल की। इसके अलावा बहुत सारे बाह डंबरों का खंडन, रहस्यानुभूति इस काव्य धारा की अनेक विशेषताएं रही है। जाति प्रथा का विरोध, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि कबीर के जाति के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। कोई उन्हें कहता था कि जुलाहा थे, कोई ने कहता है कि हिंदू थे, कोई कहता है मुस्लिम थे। तो कबीर ने जाति पाति का बहुत ज्यादा विरोध किया है। उन्होंने, उनके एक बहुत प्रसिद्ध दोहे है ना कि हमारे कैसो लोहू तुम्हारे कैसो दूध, तुम कैसे बाह्मण पंडे हम कैसे शूद्र। तो यह एक बहुत प्रसिद्ध उनका तंज है समाज को लेकर के, जो उस दौर में कबीर ने कहा गया था। कबीर की आप अगर देखें दोहे इतने प्रासंगिक हैं कि लगभग हजार हजार नहीं 800 से, हाँ 800 से 1000 वर्ष बाद भी आज हम उस दोहे को इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी मुहावरे के रूप में, किसी न किसी तंज के रूप में। यानी कि आज से 1000 साल पहले की जाति व्यवस्था या 1000 साल पहले की परंपरा में और आज की परंपरा में बहुत बहुत कहूँ तो बहुत सीमित अंतर आया है। अगर अंतर आता तो उस दौर के कबीर के लिखे गए, कबीर के कहे गए, कबीर द्वारा प्रतिपादित दोहों की आवश्यकता आज आपको और हमें नहीं पड़ती। समाज में उसकी प्रासंगिकता है, इसलिए आज हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से उस पर चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से उस काव्य धारा की विशेषता रही है। और इसी काव्य भाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत कवियों की भाषा को सदुपरी भी कहा है, जो कबीर की भाषा है। अगर कभी आप लोग किसी ने पूछे कबीर की भाषा क्या रही है, तो सदुपरी भाषा रही है कवियों की। संत कवि प्राय अशिक्षित थे, उन्हें जैसा आपने और हमारे जैसा, उनके पास कोई BA या PhD की डिग्री नहीं थी, वे अशिक्षित थे। वे बोलचाल की सामान्य भाषा में, जैसे मैंने पहले कहा ना कि वैदिक दर्भ आदिकाल के अंतर्गत जाते हैं तो दो भाषाएं में देखने की मिलती है, वैदिक संस्कृत, लौकिक। वैदिक यानी वेदों की भाषा, संस्कृत लौकिक आम बोलचाल की भाषा। भाषा का अपना एक निश्चित उसका एक प्रवृत्ति है कि थोड़ी परिवर्तित होती है। तो यही भाषा जो है आगे परिवर्तित होती गई, और इसी बोलचाल की भाषा में, जैसे आप हम लौकिक कहते हैं, तो इसी लौकिक भाषा में कबीर ने उस युग के, उस काल के अन्य कवि ने, चाहे नानक हो चाहे दादू हो, अन्य कवियों ने भी उस भाषा का प्रयोग किया है जो सदुकरी भाषा थी। वे सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में ही लिखते थे। लिखते तो बहुत कम थे, क्योंकि उस युग में मतलब लिखी हुई
बहुत कम मतलब सीमित के ना के सामान्य दस्तावेज हैं। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि कबीर कहते थे और उनकी बातों को उनके जो अनुयायी थे, जिसे आज और हम आप और हम आज के समय में विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उनके अनुयायी उसके लिखा करते थे या उसे गुनगुनाते थे। तो वही एक सभ्यता के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, एक एक समाज से दूसरे समाज, दूसरे से तीसरे समाज होते 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 आज आपके और हम तक पहुंची है, जिसे कुछ संख्या में आप और हम तक बची हुई है, आप और हम उसे पढ़ते हैं। और आपको पता नहीं होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है, और यह सिर्फ इसलिए कि उनकी वाणी आज के समय में ही इतनी ज्यादा प्रासंगिक है कि आप और हम लगभग 1000 वर्ष बाद कबीर पे चर्चा कर रहे हैं, कबीर पे बात कर रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से कबीर के संदर्भ में कुछ बात थी। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय भी हो गया है और एक घंटा हमारे पास है, उसमें हमें तीन और कवियों को पढ़ना है, तो हम जल्दी से राम काव्य पे आते हैं। राम काव्य के अंतर्गत हमें बात करनी है, हमें तुलसी पे बात करनी है। तो राम काव्य के अंतर्गत हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और तुलसी पे आते हैं, तुलसी पर अपनी चर्चा फिर आरंभ करते हैं। तुलसी का आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा तुलसी को, उनके रामचरितमानस के संदर्भ में आपने मुख्य रूप से तुलसीदास को, रामचरितमानस को मुख्य रूप से सुना होगा। तो तुलसीदास पे आने से पहले मैं आप लोगों की छोटी सी जानकारी आपके मानस में दे दूं कि जिस तरह निर्गुण भक्ति जो है दो खंडों में थी, संत काव्य सूफी काव्य, संत काव्य में ज्ञानश्री शाखा को देखते हैं, सूफी काव्य में प्रेमाश्रय शाखा को देखते हैं। संत काव्य में ज्ञानश्रय शाखा जो थी उसके प्रतिनिधि कबीर थे, कबीर जो है ज्ञान को मानते हैं मुख्य रूप से। सूफी काव्य जो थी वो प्रेमाश्रय शाखा रही, यहाँ प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया है, मतलब प्रेम के किसी रूप को नहीं माना गया। एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, निर्गुण में किसी भी रूप को नहीं माना गया, किसी भी रूप को, ईश्वर कैसा दिखता है उसका कोई भी कुछ भी प्रस्तुत नहीं है। सरगुण में ये प्रस्तुत है, सरगुण के दोनों शाखाओं में, कृष्ण हो चाहे राम हो, वहां पर प्रस्तुत है कि ईश्वर का रूप क्या था। अब आपके दिमाग रहेगा सूफी काव्य मतलब प्रेमाश्रय शाखा, तो प्रेम क्या था? तो प्रेम को यहाँ भी अलौकिक माना गया है। प्रेम यानी कि कोई यह नहीं कि आज और आप हम लोग जो इमोजी इस्तेमाल कर लेते हैं वो हार्ट शेप का, वो प्रेम हो गया, यह नहीं है। उस दौर में अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम तो अलौकिक था। अलौकिक कहने का अर्थ है माता पिता का आपके प्रति प्रेम। आपने कभी देखा है कि प्रेम कैसा दिखता है माता पिता का आपके प्रति? क्या वो लाल है, चाहे काला है, या नीला है, या सफेद है? अपने हमने नहीं देखा, हम उसे अनुभूति करते हैं। तो वही इस काव्य में जो कवि थे जैसे जायसी लोग, ये प्रेमाश्रय सूफी काव्य, ये सूफी मत के थे। जैसे गाने आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे ना, सूफी गाने मुख्य रूप से, मैं कैलाश खेर के, बहुत लोग बॉलीवुड के तो जरूर फैन ही होंगे। तो सूफी काव्य में कैलाश खेर के आप देखिए, वो ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते, वो प्रेम को मानते हैं। मतलब ईश्वर हमसे प्रेम करता है, हम ईश्वर के प्रेमी हैं, ईश्वर के प्रति हम गाने गाएंगे, हम ईश्वर के प्रेम में खोए रहे हैं। यह एक प्रेम था, कोई रूप नहीं था वहां प्रेम का। वो इमोजी वाला सिस्टम नहीं था कि आपने किसी को हार्ट भेज दिया व्हाट्सएप के थ्रू और वो उसके प्रति आपका प्रेम है, वह प्रेम नहीं था। आप और हम जो आज के समय में जो प्रेम है, यह प्रेम नहीं था उस दौर में। उस दौर में प्रेमाश्रय शाखा का अंतर्गत जो प्रेम है, प्रेम के कोई रूप नहीं आते थे। चलिए अब हम सरगुण पे बात करते हैं, तुलसी पर फिर आते हैं, सरगुण पे चर्चा करूँ। एक सेकंड मुझे थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा पानी के लिए, उसके उपरांत फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग निरंतर अपने प्रश्न इस चैट बॉक्स के माध्यम से, आपको अपने बगल में दिख रहा होगा एक चैट बॉक्स है, उस पर आप चाहें तो अपने प्रश्न वगैरह लिख सकते हैं। एक बार व्याख्यान समाप्त हो जाए तो फिर मैं आप सभी के प्रश्नों को एक एक करके लूंगा, उसके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो आप लोग अपने साथ साथ, मैं व्याख्यान को सुनते साथ साथ चाहें तो इस चैट बॉक्स में आपके कोई द्वंद हो, कोई प्रश्न हो, उसे भी रख सकते हैं, लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्याख्यान एक बार समाप्त होने के बाद फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सगुण भक्ति की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत तुलसी आते हैं। तुलसी पर भी हमें आगे बढ़ना है, हमें चर्चा करनी है। तो एक चीज जान ले, जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो उसमें दो धाराएं हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य। देखिए भक्ति काल में, भक्ति काल को आप पढ़िएगा, भक्ति काल जो है स्वर्णिम काल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य में, और उसके पीछे का अलग बहुत सारे कारण है, उसको मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्योंकि भक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपको अपने भारत के इतिहास का भी पता चलता है, क्योंकि यह वो काल था जहाँ पे लेखनी को संजोने का शुरुआत होती है, चाहे वो ताम्रपत्र के माध्यम से हो, चाहे गुफा के पत्थरों को काट के लिखने का कार्य हो,
थोड़ा सा आगे बढ़ के पत्तों पे लिखने का कार्य, उसे संजोने का, तो ये जो है एक तरह से प्रमाणित धारा है जिसके बहुत सारे आपको साहित्य जो है प्रमाण के तौर पे कहीं ना कहीं लिखी खुदी तौर पे मिल जाती है, तो इसलिए इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो दो काल है कृष्ण राम। कृष्ण जो थे वो साक्ष्य भक्ति वाले थे और राम जो थे दास्य भक्ति। अब साक्ष्य दास कहने का ये बारीकी वाली चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को समझना उचित है कि आप अभी बीए के विद्यार्थी हैं, आगे आप लोगों को अगर साहित्य में रुचि हो, साहित्य में आप आगे बढ़ेंगे तो बारीकी बारीकी छोटी छोटी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जान लीजिए। साक्ष्य भक्ति कहने का अंतर है ये कृष्ण के सखा भाव के संदर्भ में लिखते थे, यानी कि जो कृष्ण काव्य था वो मुख्य रूप से साक्ष्य भक्ति। कृष्ण काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से दो या तीन प्रकार की रचनाएं मिलती है। एक कृष्ण के बाल लीलाओं की रचना मिलती है, जो कृष्ण बाल थे तो ऐसे दिखते थे, उसकी एक रचना देखती है। एक कृष्ण के जो है वो वयस्क अवस्था, मतलब जो वो रास रचाते थे राधा के संग उनका प्रेम जो था उस पे लेकर के एक रचना। एक और रचना मुख्य रूप से देखने को मिलती है इस काल में है साक्ष्य भक्ति, मतलब कृष्ण हमारे सखा है। एक होता है ना कि ईश्वर को, अरे आज ये दिन है तो आज ये ऐसा करना चाहिए, ये हम नहीं करेंगे, ईश्वर को ये भोगने लगेंगे तो नाराज होंगे, भय एक ईश्वर के प्रति। तो यह उस दौर में नहीं था। कृष्ण जो है, कृष्ण को बोलते, कृष्ण को अगर माखन पसंद है, दही पसंद है, आज कृष्ण को मैं भोगने लगाऊंगा, कृष्ण गुस्सा हो जाएगा, मेरे परीक्षा में कम नंबर आ जाएंगे, यह नहीं था उस दौर में। कृष्ण जो थे मेरे सखा हैं, आप और हम एक दोस्त के साथ जिस तरह से वार्ता करते थे, जिस तरह से बातचीत करते थे, जिस तरह से मिलते थे, यह वह भाव हुई, वह भाव इस काल में कृष्ण काव्य में देखने को मिलता था। कृष्ण जो थे वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए इस काल में। वहीं इसके उलट जब हम राम को देखते हैं, सगुण भक्ति के, जब हम राम काव्य को देखते हैं जिसे हम लोग दास भक्ति कहते हैं, दास भक्ति जैसे आपने यहाँ साक्ष्य यानी कि सखा भाव कृष्ण का बोलते हैं, यहाँ हम राम जो बात करते हैं यहाँ दास भक्ति आपको हमें देखने को मिलती है। दास भक्ति से यहाँ पे राम को राजा के तौर पर अपनाया गया है, स्वयं को उनके दास के रूप में। तुलसीदास को आप जब पढ़ते हैं, तुलसी अंत में उनका क्या लगता है, दास। तो वे जो थे वो धारा के प्रतिनिधि कवि थे और उस धारा में वे दास भक्ति धारा थी, वहां पे राम को अपना इष्ट मान करके उसके दास के रूप में उसकी सेवा करना उस काल का मुख्य लक्ष्य था। उस काल के अगर मुख्य लक्ष्य की बात करें, जैसा राम काव्य की बात करें उस धारा की, तो राम काव्य परंपरा का एक सुदीर्घ इतिहास है, जो सिर्फ और सिर्फ राम काव्य एक अपने आप में पूरा इतिहास रहा है। इसके केंद्र में बिंदु, इसके मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है तुलसीदास। तुलसीदास को अगर और बेहतर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग अमृतलाल नागर की मानस कहानी अवश्य पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन किताब है। अगर आपको तुलसीदास को जानना है तो उस किताब को जरूर पढ़िए, अमृतलाल नागर के मानस का हंस। तो जो यह परंपरा थी राम काव्य परंपरा, इसके केंद्र बिंदु में मुख्य रूप से तुलसीदास है। राम काव्य परंपरा में तुलसी कृत रामचरित मानस एक मील का पत्थर है। आप और हम बहुत सारे जो सनातन धर्म को मानने वाले, हमारे घर में रामचरित मानस देखने को मिलता है। आप और हम रामचरित मानस को बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं, रामचरित मानस के अनेक खंडों का हम लोग चर्चा करते हैं और उसे फिर बहुत मतलब महत्वपूर्ण एक माना जाता है, उसे पढ़ा जाता है और आप और हम अपने घर में उसे संजो के रखते हैं। तो यह जो थी एक मील का पत्थर, तुलसीदास ने रामचरित मानस का निर्माण किया। रामचरित मानस उस युग में जो मुख्य रूप से अवधि में लिखी गई थी। एक और जब भाषा की बात है अवधि की, तो कृष्ण काव्य जो मुख्य रूप से थे वह ब्रज भाषा में लिखे गए हैं ज्यादातर, ज्यादा मान लीजिए सारे कृष्ण काव्य। तो कृष्ण का जो जन्मस्थली थी, कृष्ण का जो क्षेत्र था वह ब्रज का क्षेत्र था, तो ब्रज भाषा की रचना उसमें देखने लाजिमी सी है। लेकिन जो राम काव्य की पढ़ते हैं तो राम जो थे अवध, जिसे आप हम अयोध्या मान जानते हैं, अवध नाम के पीछे भी एक कहानी है कि जिसमें ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज शासन काल हुआ, तो भाषा परिवर्तन आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो तो जानिए भाषा के अपने कारण परिवर्तन के कारण होते हैं। जो ब्रिटिशर्स आए वो मुख्य रूप से ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे, उनसे उच्चारण मुख सही रूप से नहीं हो पाता था, तो वो उन्होंने वो अयोध्या नहीं कह पाते थे, तो अवध अवध कहते हुए धीरे से अवध हो गया, जो भाषा परिवर्तन के कारण के अंतर्गत आता है। तो आप और हम आज के समय अवध 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 का क्षेत्र जिस दौर में कहा जाने लगा जब लेखनी शुरू हुई अवध अयोध्या, तो वो भाषा थी जो राम को लेकर के लिखी गई वो मुख्य रूप से
अवधी भाषा में लिखी गई, जिसके गोस्वामी तुलसीदास ने आप और हम 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि उसे लिखे हैं। और इसके अध्याय की अगर बात की जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग रखते हैं तो शौक के लिए, दिखावे के लिए रखते हैं तो माफ कीजिएगा, ऐसा ना करें। इसके कुल 7 कांड हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, घर में है पर पता नहीं होगा। मैं बात करते हैं, पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं रामचरितमानस के, जिसे आज आप और हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण सनातन परंपरा की किताब, पुस्तक के रूप में घर में संजो के लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं, पर खोल के कभी पढ़ते नहीं है। तो ये जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है, 7 कांड है ये कम से कम, बाकी कुछ नहीं तो अपने दिमाग में, अपने मानस में इतना जरूर डाल लीजिएगा कि उसके 7 कांड है। कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राम काव्य की थोड़ी सी परंपराओं की, विशेषताओं की, मतलब मुख्य रूप से उनकी जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा कर लें। पहला विशेषता इस काल के लिए राम का स्वरूप, क्योंकि कोई भी काल जब जब पूरा का पूरा काल एक विशेष व्यक्ति के ऊपर रचा गया है, तो उसका ना होना, उस पर चर्चा ना करना ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है राम का स्वरूप। राम के स्वरूप पे बहुत विशेषता की गई है, मतलब साधारण राम से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के भगवान राम तक की चर्चा की गई है। राम के बाल्यकाल से लेकर के राम के भगवान राम कहलाने तक के उनके सभी रूपों की चर्चा की गई है। ऐसा कहा गया है कि राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने दशरथ के पुत्र, आप लोगों को इतना तो ज्ञात होगा कि राम के पिता कौन थे, दशरथ, तो कवियों ने दशरथ के पुत्र राम ने मानवीय लीलाओं को दिखाया है। राम ने यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की थी। लीला का संदर्भ है कि वो जब पढ़ने जाते हैं अपने गुरु के यहाँ आश्रम में, इवन अपने भाइयों के साथ उनका जो संबंध था, आज और आप हम जानते हैं अपने घर की हालत, जहाँ पे एक भाई बहन के संबंध अच्छे से नहीं टिक पाते, वहाँ चार चार भाई एक तो परिवार में थे, उनके एक दूसरे के प्रति जो संबंध थे, उसे आप लोग एक आदर्श के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि उस दौर के कवि ने कितने बेहतर ढंग से राम को प्रस्तुत किया है कि राम आपके और हमारे लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो गए हैं। तो वही है कि कहने का अर्थ यह है कि राम का स्वरूप यानी राम के सभी रूपों की चर्चा इसमें की गई है, चाहे राम के शैली की हो, उसके शक्ति की हो, उनके सौंदर्य की हो। राम के सौंदर्य पे एक राम की शक्ति पूजा निराला ने लिखी है, उसमें है ना कि राम ने अपने, उनकी माता ने एक बार कहा था कि तुम्हारे आंख कमल के समान है, तो वो ईश्वर की पूजा करते रहते हैं, उन्हें एक कमल कम पड़ जाता है तो वो अपने आंख को वहां पे ईश्वर के पूजन में दान करने को तैयार हो जाते हैं। तो यही जब सौंदर्य के भंडार की बात है, सौंदर्य का वर्णन, तो सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे राम के रूपों को, सौंदर्य रूप की चर्चा की गई है राम के स्वरूप में, इस काव्य में, इस धारा में, राम भक्ति धारा में, जो राम पे चर्चा की गई है, उसमें राम के सिर्फ शील की, शक्ति की चर्चा नहीं की गई, राम के सौंदर्य की भी चर्चा की गई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विशेषता इस काल की है भक्ति का स्वरूप। इस काल में राम भक्त कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की, जैसा पहले ही कहा आपने कि दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। दास यानी कि इससे पहले वाले जो कृष्ण भक्ति काम है, कृष्ण हमारा सखा है, सखा के रूप में प्रस्तुत किया, यहाँ राम को सखा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, यहाँ राम को दास्य के रूप में, राम ईश्वर है, हम सब उनके दास हैं, इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो तुलसी स्वयं को सेवक तथा राम को अपना आराध्य मानते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है कि राम के बहुत बड़े आराध्य के रूप में तुलसी को माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि तुलसी ने पूरा का पूरा रामचरितमानस, जहाँ पे आज अयोध्या में जिसे रामलला जहाँ विराजे हैं, जिस भूमि को, जिस पर हाँ मंदिर निर्माण के कार्य चल रहे हैं, वहीं पे बैठ कर, उस दौर में वह एक मस्जिद के रूप में था, उसकी ऐसा साहित्य में लिखा गया मानस के हंस, अगर आप लोग पढ़ेंगे अमृतलाल नागर की, उसमें यह चीज लिखी गई है कि वह जो दौर था जहाँ आज हम अयोध्या मंदिर की बात कह रहे हैं, जो भूमि मिल गई है, वहाँ मंदिर निर्माण चल रहा है, वह उस दौर में, क्योंकि वह दौर जो था 1600 के, आप लोगों को पता ही होगा, वह दौर जो था वो मुस्लिम शासकों का था, उस दौर में बाहरी आतताई आ गए थे, तो उसे वो घेर के रखे, तो वहां शायद वहां मस्जिद थी या मस्जिद बन रही थी। उसके उपरांत भी तुलसीदास वहाँ नित्य नयन जाते थे, नित्य रूप से प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन वहां जाते थे, तो वहां बैठ करके रचना करते थे चबूतरे के ऊपर। तो यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने पूरी की पूरी रामचरितमानस जो है वहां पर बैठ करके
उस चबूतरे पे बैठ करके लिखी है। और दास भाव को अपने दासात्वे तुलसीदास ने, अगर आप लोग पढ़े होंगे मानस रामचरित मानस, वहां पे उन्होंने लिखा भी है कि तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, अनाथ पात की तू पाप पुंज हारी, है ना। अपने आप को उनके दास भाव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि तुम दयाल हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी है वो भिखारी, मतलब तुम दयाल हो, तुम यानी हे राम, हे राम तुम दयाल हो, तुम दानी हो, तुम दयाल हो, तुम दानी हो, आओ अनाथ पात की, हम सब जितने भिखारी हैं हम सबके मतलब पाप को पुंज को तुम हरने वाले हो। तो या उन्होंने दास भक्ति के रूप में लिखा है, जिसका चयन उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो या कभी पढ़िएगा कि उत्कर्ष विनय पत्रिका जो है उसके अंतर्गत ये दास भाव की तुलसी की जो लेखनी है कि तू दयाल दीन हो, तू दानी हो पाती, हाउ अनाथ पात की तू पाप पुंजहारी, यह उन्होंने उत्कर्ष विनय पत्रिका में लिखा गया है। एक और मुख्य रूप से इस काल की, इस पे अंतिम में चर्चा करता हूँ, इस काल पे समन्यावादी प्रवृत्ति, समन्यवादी प्रवृत्ति इस काल की मुख्य विशेषता रही है। अभी क्या है, थोड़ा से अलग से शब्द आप लोगों को सुनने को मिला हुआ, तो इससे आशय है कि तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां प्राप्त थी, जैसा धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष हो रहे थे। जैसा शैशव वैष्णव, मैंने आपको पहले बताया ना, ये सबसे बड़ा उस काल का, भक्ति काल का सबसे बड़ा द्वंद्व था। जैसे हिंदी साहित्य में आप अगर भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा द्वंद्व इस पे चल रहा था, इसमें संप्रदाय, जाति, भाषा आदि के नाम पर नित नयन संघर्ष हो रहे थे। अतः समन्वयन उस युग की आवश्यकता थी, समन्वयन यानी सबको साथ में बांधने का उस युग की आवश्यकता थी। तो रामचरितमानस में तुलसी ने अपने समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि रामचरितमानस जो है सबसे बढ़िया है, हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, या राम की उपासना सबसे बढ़िया है, कृष्ण की उपासना अच्छी है, या नहीं। उन्होंने सबका समन्वयन करके अपनी इस रचना की है। किसी भी जाति, धर्म, भाषा को यहाँ पे इस काव्य में या राम के प्रति उनके लेखनी में उन्होंने कहीं सबसे बेहतर नहीं माना है, दूसरे को कहीं सबसे बुरा नहीं किया, उन्होंने सबको समन्वय की प्रवृत्ति को अपनाया है। इसीलिए उसे बहुत सारे साहित्यकार लोकनायक भी मानते हैं, तुलसी को लोकनायक ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दौर के जो बटी हुई समाज थी उसे एक साथ जोड़ने का काम भी किया है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ विशेषताएं, जैसा मूल्य बोध, जैसा राम के जैसा मूल्यों की बात करते हैं, आज जरा हम देखते हैं समाज में मूल्य ह्रास हो रहा है, हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा है। जो बात सच है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे यह मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यह सिर्फ स्वार्थ है मेरा। यह नहीं कि ठीक है मैं आपकी कक्षा ले रहा हूँ, मेरा बहुत मन है IIM कक्षा लेंगे, आप यहाँ पे आके कक्षा इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग सुनेंगे, हो सकता है सर जो कह रहे हैं उसमें से कहीं कुछ एक प्रश्न एग्जाम में आ गया तो सुने रहेंगे तो लिखेंगे। तो यह जो एक मूल्य का ह्रास हो रहा है ना, शिक्षा तभी ले रही है क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तभी हम शिक्षा ले रहे हैं। ऐसा कोई नहीं यहाँ पे अभी नहीं है मौजूद, मुझे भी मिला है, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होगी इस वजह से मैं एक अच्छा करता हूँ, ऐसा कोई नहीं। जो मूल्य बोध का ह्रास हो रहा था उस युग में, उससे दूर करने का भी कार्य किया है। मूल्य बोध यानी कि राम भरत लक्ष्मण के संबंधों के द्वारा पिता के एक आदेश से पुत्र ने, क्योंकि पिता की जो है पिता ने जो वादा किया था, वो वादा कहीं टूट ना जाए, पिता के वादे को पूर्ति के लिए वो वन में जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास करते हैं। सुग्रीव विभीषण से उनकी मित्रता, वो इतने अच्छे ढंग से उनसे मित्रता निभाते हैं। तो यह जो मूल्य है, इन मूल्यों को आज और आज के समय हम एक आदर्श रूप में मानते हैं, राम को आप और हम साहित्य में या आम जीवन में एक आदर्श के रूप में मानते हैं। माता अपने पुत्र पुत्रियों से कहती है ना, राम जैसा बनो, राम जैसा चरित्र रखो, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। तो यही चीज है कि मूल्य बोध यानी कि राम समूल्य आप अपने समाज को दे सके, यह इस युग की विशेषता रही है। प्रबंध रचना की यानी कि इस युग की रचना को देखें तो रचना का असर प्रबंध रूप में रही है, जहाँ पे दोहा चौपाई हम देखते हैं। आज के समय में हम लोग जब कविता पढ़ते हैं तो कविता में कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता है, आज और हाँ हम कविता में कहीं भी आधुनिक काल की कविता पढ़ते हैं तो इस तरह से कहीं नहीं दिखाई जाता है। आधुनिक काल की कविता को हम लोग पढ़े तो किस ढंग से लिखा जाता है, मैं बहुत पहले की नहीं मधुशाला की बात करता हूँ, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुआ अपना हाला, फिर भी यदि बुद्धों से पूछा ये कहीं उत्तर पाया, तो
इस ढंग में। लेकिन इस युग की जब हम कविताएं वगैरह को पढ़ते हैं तो इस युग में प्रबंध रचनाएं भाषा शैली जो हमें बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलती है कि गुरु है बड़े गोविंद ते मन में देख विचार, इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से रामचरितमानस की देखे चाहे कबीर की देखे, इस युग की जो रचना थी वो बहुत बेहतरीन रचना थी और आडंबर से युग मतलब आडंबर से पढ़े थी। आज के समय में हम लोग लिख देते हैं ना कि हमारी हम लोग थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द का उपयोग करेंगे, हमारी रचना अच्छी मानी जाएगी, हमारी रचना यहाँ छपेगी, हमारी रचना को यह पुरस्कार मिल जाएगा, ये आडंबर नहीं था। जो उन्हें महसूस होता था उस दौर के रचनाकारों वो अपने रचना में लिख देते थे। यह एक मुख्य रूप से इस दौर में रचना में आपको और हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते थोड़ी सी चर्चा हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा थोड़ी, क्योंकि अभी तीन और लेखक बचे हुए हैं, तो हम अपनी चर्चा को थोड़ी तेजी देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से आपके और तीन रहते हैं प्रसाद निराला आज्ञा, तो इन तीनों पे जल्दी जल्दी हम लोग प्रसाद निराला आज्ञा पे चर्चा करते हैं। इसके उपरांत आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे तो उन्हें हम लोग लेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला बात, अगर आप और हम लोग जयशंकर प्रसाद का करें तो आप लोगों को पता है जयशंकर प्रसाद छायावाद के अंतर्गत आते हैं। छायावाद आधुनिक काल का ही एक कालखंड है जिसे मुख्य रूप से आप और हम जब पढ़ते हैं तो आधुनिक काल कई खंडों में विभाजित होती है, जिसे हम लोग भारतेन्दु युग कहते हैं आधुनिक काल में, जिसे 1850 से 1901 माना जाता है, ईस्वी माना जाता है। आधुनिक काल की मैंने बात की ना, आदिभक्ति रीति आधुनिक आधुनिक हम लोग देखते हैं 1850 से अब तक की रचना को, वही 1850 से 1900 इन 50 वर्षों की जो कालक्रम थे आधुनिक काल के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ। आधुनिक काल फिर कई 5 या 6 खंडों में विभाजित होती है। तो पहला उसमें जो है वह है भारतेन्दु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक जाता है। दूसरा उसमें है द्विवेदी युग जो 1900 से शुरू होता है 1920 ईस्वी तक जाता है। तीसरा है छायावादी युग 1918 से 1936। चौथा है प्रगतिवाद 1936 से 1943। पांचवा है प्रयोगवाद जिसमें साहित्य में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए, तो आप देखेंगे मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी विचारधारा जो है यहीं से पनपती है। प्रयोगवाद 1943 से 1950। नई कविता 1950 या 51 मानी जाती है, जो अब तक यानी कि 6 जुलाई 2020 तक भी जो कोई कविता लिख रहा है वो आधुनिक नई कविता के अंतर्गत आएगी, यानी कि 1950-51 के बाद से जो भी कविता लिखी जा रही है वो नई कविता के अंतर्गत आएगी। तो इन्हीं धाराओं में आदिकाल आधुनिक काल के इन्हीं धाराओं में जो छायावादी युग है जो 1918 ईस्वी से 1936 के अंतर्गत आता है, इसी के बहुत बड़े बहुत प्रमुख लेखक साहित्यकार हुए हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर हम लोग बात करें इसमें निराला भी आप लोगों को पढ़ना है तो निराला के बारे में बता दूं, निराला जो है वो प्रगतिवाद के निराला जो है वो प्रगतिवाद के लेखक हैं। अज्ञेय को पढ़ना है आपको इसमें, अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना प्रगतिवाद 1936 से 1943। पहले हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद छायावाद के अंतर्गत आते हैं, छायावाद का कालक्रम है 1918 से 1936। फिर हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं, प्रगतिवाद का कालखंड है 1936 से 1943। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद जिसके अंतर्गत अज्ञेय आते हैं, अज्ञेय का कालखंड है 1943 से लेकर 1950-51। तब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद के बारे में एक छोटी सी आपके मानस में एक बात रख दूं कि जयशंकर प्रसाद जो है वो मुख्य रूप से छायावाद के कवि थे। तो छायावाद क्या है, छायावाद का संदर्भ यह है कि द्विवेदी युग इन कविता के बाद हिंदी काव्य में जिस नई धारा का विकास हो उसे छायावाद कहा जाता है। छायावाद का बहुत लोग अंग्रेजी में प्रकृतिवाद से भी उसे जोड़ते हैं, उसके बाद उसे रोमांटिज्म से भी उसे जोड़ा जाता है छायावाद को। तो छायावाद की समय सीमा 1930-36 पर ऐसी मानी जाती है, छायावाद की समय सीमा 1930-36, परंतु कुछ विद्वान उसे 1836 भी मानते हैं, यानी 1918-36 मानते हैं। तो द्विवेदी युग इन काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद का जन्म हुआ, क्योंकि जब हम देखते हैं ना आदिकाल भक्ति काल रीति काल आप देखेंगे तो एक लंबा इतना समय हो जाता है, पूरा का पूरा उसमें विभाजन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा विभाजन देखने को मिलता है। मतलब एक एक काल 10-15 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल चलता है, फिर उसके
उसके हम लोग देखें उसको प्रतिक्रिया में और एक काव्य आ जाता है, जैसा भारतेंदु, भारतेंदु का तुरंत बाद भारतेंदु 50 साल चला, उसके उपरांत देखते हैं द्विवेदी, फिर आ जाता है लगभग 18-20 साल छायावाद, फिर आ जाता है लगभग 15 साल, 20 से 36, 15-16 साल का आ जाता है, फिर प्रगतिवाद देखे 36 से 43, मात्र अगर एक हम सम कहें तो मात्र 7-8 वर्षों का एक काल आ जाता है, फिर प्रयोगवाद आता है लगभग 7 वर्षों का, मात्र 7 वर्षों का, फिर नई कविता जो है वो लगभग चली आ रही है, उसका विस्तार थोड़ा नई कविता के अंदर भी हम जाएंगे तो देखेंगे उसमें बहुत सारे विवाच है। खैर ये बात की बात है, हम लोग छायावाद की बात करते हैं, तो छायावाद मुख्य रूप से द्विवेदी युग के उसके उलट, उसके प्रतिक्रिया के रूप में आता है कि द्विवेदी युग में काव्य जो है विषय निष्ठ, वर्णन प्रधान स्थूल था, विषय निष्ठ यानी कि विषय पे केंद्रित, स्त्रियों की समस्या, पत्र पत्रिकाएं उस दौर में निकलना शुरू हुई, एक समाज की कहानी आने लगी, तो इसके इतर जो कहा वो जो दौर था वो थोड़ा सा कठोर यानी कि थोड़ा सा एक गंभीर सा एक दौर हो गया था द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग इन कविता बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी, तो उसके उलट उसके प्रतिक्रिया में यह निकल करके आती है, यह धारा जो थी वह व्यक्ति निष्ठ कल्पना प्रधान थी, यहाँ पे ज्यादातर जो छायावादी यानी कि समाज में जो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाया जाने लगा, कल्पना के ऊपर लिखनी शुरू हो गई, प्रकृति के प्रेम को दर्शाया जाने लगा, बहुत ही एक तरह से कहूँ कल्पना प्रधान व्यक्ति निष्ठ हो गई, उससे पहले वाली व्यक्ति प्रधान थी, यह जो काव्य था द्विवेदी युग जो था व्यक्ति प्रधान काव्य था, यह जो काव्य है छायावादी ये कल्पना प्रधान काव्य है, तो इसी के मुख्य चार स्तंभ के रूप में माना जाता है, छायावाद के मुख्य रूप से चार स्तंभ माने जाते हैं, इन स्तंभों में जयशंकर प्रसाद भी आते हैं, जिसे चार खंड की बात करूं मुख्य रूप से तो उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, तो छायावाद के चार मुख्य कवि से छायावाद का स्तंभ भी माना जाता है, जैसे घर बनते हैं तो चार पिलर होते हैं मुख्य रूप से चार स्तंभ, तो छायावाद के मुख्य रूप से चार स्तंभ जो है वो कवि कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, ये चार जो थे इनके ऊपर ही यह जो पूरी की पूरी कालखंड है यह टिकी हुई थी, और जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख कवि थे, तो हल्की फुल्की चर्चा जयशंकर प्रसाद के ऊपर हो जाए, जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से, जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब यह माना जाता है कि उन्होंने ही छायावाद को लाया साहित्य में, छायावाद इन्हीं के बदौलत आया है, उसके उपरांत फिर बहुत सारे लेखक उनके साथ जुड़े, छायावाद के गौरव ग्रंथों में जिसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिन ग्रंथों के कारण यह एक पूरा युग छायावादी युग कहलाया, यह एक कालखंड छायावादी कालखंड कहा, तो उसमें मुख्य है कामायनी, कईयों ने अगर पढ़ी होगी, हमें कोई कोई विद्यार्थी मुझे सुन रहे हो यहाँ पे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कामायनी, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनकी, यह आधुनिक युग का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है, इनकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, इसके अतिरिक्त प्रसाद के अन्य छायावादी रचनाएं हैं आशु, झरना, लहर, निराला जी की छायावादी रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, तुलसीदास से याद रखिए तुलसीदास रचना है, तुलसीदास एक व्यक्ति तो है ठीक है, पर छायावाद काल की एक रचना भी है जिसका नाम सिर्फ जिसका नाम ही तुलसीदास है, और पंत जी ने भी बहुत सारी रचनाएं की थी जो इसके मुख्य प्रवर्तक रहे हैं, प्रवर्तक नहीं जो इसके मुख्य कवि रहे हैं, चार मुख्य रूप से जो कवि रहे हैं, तो सूर्य पंत जी ने भी इसको लिखा है कि पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्रंथ नाम छायावादी रचना बहुत बेहतरीन रचनाएं रही हैं, महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में वेदना, करुणा, व्यथा, जैसे मैंने पहले कल्पना जिसे आप देख नहीं सकते हैं, तो उन चीजों को यहाँ पे दर्शाया, महादेवी वर्मा जैसे वेदना, करुणा, व्यथा, जिज्ञासा, इन चीजों को आप और हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसे महसूस किया जाता है, इन सब चीजों पे इस दौर की रचनाएं हुई हैं, तो इनकी छायावादी रचनाओं में निहार, रश्मि, अगर हम देखिए इसके अलावा निहार, रश्मि, निर्जा एवं संध्या गीत प्रमुख है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, अब भक्ति काल की मीरा आप लोगों को पता ही है कि वो कृष्ण की उपासक थी, उसी तरह महादेवी वर्मा को हम लोग आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रचना में जो है जो आप पर हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण एक तरह से कहूँ हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण जो एक जिसे हम लोग देख नहीं सकते जिसे हम लोग महसूस कहते हैं, जैसे हो गया वेदना, करुणा, ईर्ष्या किसी के प्रति, ईर्ष्या को दिखी नहीं जाती किसी को, ईर्ष्या किसी के प्रति आपके मन में करुणा उस दिखी नहीं जाती, इन सभी निहित गुणों का जो गुण होते हैं दिखाई नहीं देते उन पर रचना की है, इस वजह से इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, तो
छायावाद के समय में इसके, जैसा मैंने बाकियों के प्रमुख प्रमुख विशेषताओं पर बात कर ली, तो इस युग की जगह प्रमुख विशेषताओं पर बात करूं, इस युग के प्रमुख विशेषता है छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति। रहस्यवादी प्रवृत्ति मतलब करुणा को आपने देखा नहीं देखा, करुणा रहस्य की चीज है, उसे स्थान दिया गया, इसमें स्थूलता का अभाव है। इस मुख्य रूप से ये छायावादी काव्य धारा है, इसमें स्थूलता का अभाव रहा। यह प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का काव्य, यहाँ पर प्रेम को, प्रकृति को, प्रकृति के सौंदर्य को, वन के सौंदर्य को इसे स्थान दिया गया। यह नवीन अभिव्यंजना पद्धति है, क्योंकि इससे पहले नवीन और बहुत नया है, इससे पहले इस प्रकार की रचना नहीं हुई है। हम बाकी जितनी रचना देखते हैं उसका हल्का फुल्का आपको एक तरफ से स्फुट आपको दिखाई देता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी काल पर। भक्ति के हल्की फुल्की स्फुट आपको रीति काल में दिखाई देती है, रीति काल की हल्की फुल्की स्फुट जहाँ दरबारी कवि थे वो उसकी हल्की फुल्की छाया आपको आदि काल में दिखाई देती है। भक्ति काल की अपनी हल्की फुल्की छाया आपको कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगी, जैसा हम लोग यह बात करते हैं। लेकिन यह जो धारा रही छायावाद, छायावाद आज के समय दिखाई देती है, हल्की फुल्की छायावाद की भी हमें अगर देखे, छायावाद की जो प्रवृत्ति रही है वो हल्की फुल्की आधुनिक काल में दिखाई देती है। आधुनिक काल में बहुत सारे ऐसे कवि लेखक हैं जो इस पर लिख रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व, छायावाद से पूर्व इस तरह की कहीं देखने को नहीं मिलती है। इस तरह की प्रवृत्ति जो है ये एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति थी, इसमें स्वानुभूति की प्रधानता है। स्वानुभूति यानी हम लोग जब काव्य लिखते हैं आज के समय आधुनिक काल में, या इससे पहले ज्यादातर हम लोग एक किसी किसी भी स्थिति को, किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, उसे हम महसूस करके उसके बाद लिखते हैं। महसूस यानी कि वह हमारी जो है किसी के प्रति सहानुभूति रही, सहानुभूति रचना हुई, लेकिन इस काल में जो स्वानुभूति मतलब स्वयं से अनुभूति। अच्छा, पहाड़ को हम लोगों ने देखा, पहाड़ इतना सुंदर है, बहुत उस पर रचना की, मतलब खुद अनुभूति के लिए और उस अनुभूति को इस साहित्य में दर्शाया गया। जयशंकर प्रसाद के परिचय पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह एक आपको कहीं भी देखने पढ़ने को मिल जाएगा। मैं उनके ज्यादातर रचनाओं पे हल्की फुल्की एक चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि यह आपको कहीं भी आप लोग गूगल भी कर लें तो देखने को आपको मिल जाएगी, और यह कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है। आपको पढ़ना चाहिए, स्वयं से पढ़ना चाहिए। आपके इस जो SLM है ECC में आपको दी गई है, आपको मिल जाएगी। मैं इस उनके प्रमुख ग्रंथों पे अगर आपको बात करूं, उनके प्रमुख कामायनी उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहे हैं। आपके इस पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से उनके जो है मधुमेह देश कविता है, तो उस पे मैं हल्की फुल्की चर्चा कर दूं। छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत पसंदीदा कविता है। वो लिखते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, मधुमेह देश, मैं इस कविता के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कविता पे चर्चा कर रहा हूँ मुख्य रूप से। तो उनकी इस कविता को आपको समय मिले जरूर पढ़िएगा, मधुमेह देश कविता उनकी है। अरुण है यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके उपरांत फिर इस पर चर्चा करूंगा। कि अरुण है यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह ये समझ निर्भीज प्यारे। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुण जाल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ से उषा सवेरे भरती धुलकाती सुख मेरे, मदिर उगती रहते जग जर भर राज निर्भर तारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो अरुण सा संदर्भ है, अरुण या मधुमेह देश हमारा जिसका आरंभ होता है। तो अरुण का अर्थ होता है लालिमा से पूर्ण उदय कालीन सूर्य, जिस समय आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है उस समय, उसकी हल्की फुल्की जिसमें किरणें छटाई होती है, तो वह आपको लाल हल्की सी ललाट तरह की दिखती है, तो उसे कहा जाता है अरुण। मधुमेह का अर्थ होता है मधुरता से पूर्ण, यानी कि मधुरता से पूर्ण अरुण है देश हमारा, मतलब लाल दिखने वाला देश, जो उदय काल से पूर्व जिस तरह का सूरज निकलने से पूर्व जिस तरह का एक लाली सी रहती है ना आपको बादलों में देखने को मिलेगा आसमान में, वह लाली और मिठास से भरी हुई देश यह हमारा है। हमारा जो भारत देश है वह इस लाली और इस मिठास से भरी हुई है, क्योंकि मानव मान्य हम लोग जो बात करते हैं मानव सभ्यता की, तो मानवीय सभ्यता का प्रथम सूर्य यही उदय हुआ, अर्थात सर्वप्रथम सभ्यता का विकास यही हुआ है। तो विकास के संदर्भ में ही आप कवि लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि जो भारत देश है यहाँ पे संस्कृति का विकास सबसे पहले हुआ है,
और संस्कृति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश को बनाने में, किसी भी देश को ऊंचाई तक पहुंचाने में। तो यह अरुण या मधुमेह देश हमारा, हमारा यह मधुमेह देश जो है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, मतलब यहाँ कोई एक अनजान क्षितिज भी, कोई किरण भी अगर पहुंच जाए उसे कोई ना कोई सहारा जरूर मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखर मनोहर, तरु भी यहाँ पे शिखा पे चोटी पे बना, पर्वत पे जो पेड़ वगैरह लतरते हैं ना, जिस तरु पेड़ कहा जाता है, वह भी हमारे शिखा पे छा जाती है। और मतलब यानी कि शिखा को घमंड नहीं है, किसी पर्वत को घमंड नहीं है कि तरु कैसे मुझसे ऊंचा हो जाता है। वह अपने शिखा पे भी तरु को उगने का, यानी कि तरु को बढ़ने का, तरु को प्रगति करने का पूरा मौका देती है। यानी कि हमारी जो प्रकृति है वह भी एक दूसरे से द्वेष नहीं दिखाती, द्वेष नहीं रखती है। तो उन्होंने अपनी सभ्यता को कहा है, भारत की सभ्यता इतनी विशाल है, इतनी अनोखी सभ्यता है कि वहाँ सब इतने प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ पे वो उदाहरण के रूप में शिखा और तरु की बात करते हैं, आगे बढ़ करके वो बरसातों की और लहरों की चर्चा करते हैं, वहाँ यह कहते हैं कि हमारे नदी जो है वो आ करके मिलती है समुद्रों से, नदियों का भी यह दुख नहीं होता है कि मैं अपने अस्तित्व खो रही हूँ समुद्र में मिल करके। समुद्र को कभी यह नहीं, उसके मन में यह उम्मीद नहीं आती कि मैं नदी को पूरी तरह से ढक लूं। तो यह उन्होंने अपने देश के प्रति, अपने देश को जो भारत देश है उसे मधुमेह देश, मधु का मतलब प्रेम का, मधुरता से पूर्ण देश के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यह मुख्य आपके पाठ्यक्रम में यह मुख्य कविता थी। इसके आगे हम अगर बढ़े तो हम प्रगतिवाद पे बात करते हैं। प्रगतिवाद के रूप में हम निराला पे चर्चा करते हैं, प्रसाद पे चर्चा हो चुकी है, निराला पे बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। विशेष अर्थ में क्यों? क्योंकि छायावाद के तुरंत बाद, क्योंकि जब हम देखते हैं निराला, निराला आपको छायावाद में भी देखने को मिल जाते हैं, पर प्रगतिवाद का मुख्य कवि के रूप में निराला इसलिए होते हैं क्योंकि प्रगतिवाद का मुख्य अगर शब्द की बात हो, प्रगति यानी कि आगे बढ़ना, और यह जो काव्य थी, इस धारा की जो काव्य थी, वह उस छायावाद से आगे बढ़ने पर इसने जोर दिया, इस काव्य ने, इस वाद ने, इस प्रगतिवाद ने, इस प्रगतिवाद ने धीरे धीरे, प्रगति वह है जो समाज के प्रगति में विश्वास रखती है। प्रगति यानी कि आपके साहित्य जो है समाज का दर्पण है, आपके साहित्य जब प्रगति करेगा तभी आपका समाज दर्शन करेगा। तो प्रगतिशील वह है जो समाज के प्रगति में विश्वास रखते हैं। किंतु किंतु एक चीज दे दूं, बता दूं कि इस धारा में मार्क्सिस्ट विचारधारा का आना शुरू हुआ, यानी कि छायावाद के उपरांत हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य में पाश्चात्य, पाश्चात्य काव्य धारा की जो है वह बहुत तेजी से काव्य, पाश्चात्य जो धारा है, पाश्चात्य काव्य है, परंपरा है, चाहे उनके आलोचनावाद हो जिसे हम देखते हैं, चाहे ये प्रगतिवाद हो, या अपने साहित्य के माध्यम से क्रांति हो, धीरे धीरे आना शुरू हुई। आने शुरू हुई किस देश में? हम लोगों ने मार्क्सिस्ट विचारधारा के ज्यादातर आपको दार्श के रूप में प्रस्तुत होने देखेंगे, साहित्यकार आपको मार्क्सिस्ट विचारधारा के, मार्क्सवाद के दास के रूप में देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रगतिशील वे हैं जो समाज के प्रगति में विश्वास रखते हैं, किंतु मार्क्सवाद के दास नहीं है, यह प्रगतिशील का कहना है। किंतु आप उस युग की कविता को देखिए, जब प्रगतिवाद से लेकर के प्रयोगवाद तक आपको मार्क्सवादी विचारधारा इस काव्यों में बहुत, मैंने बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा यथार्थ के रूप में आपको देखने को मिलेगी, उन्हें बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। जैसे मैं आपको निराला ने अपने भिक्षुक जैसी कविता के माध्यम से, जो कविता इसमें आपके पाठ्यक्रम में है, निराला के तो भिक्षुक कविता लिखी गई है, भिक्षुक जैसी कविता के माध्यम से दलित निष्पेषित का चित्र खींचा है, निराला ने जरूर खींचा है, लेकिन बाकी लक्ष्मी सागर वर्षनिया के अनुसार प्रगतिवाद जो है समाजवादी यथार्थ के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है, जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावादी काल में प्रश्रय यानी कि आश्रय में ना, और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्य चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। यानी कि जो लक्ष्मी सागर वैष्णव कहते हैं, यह जो धारा थी या जो प्रगतिवाद थे, इसने यथार्थ को अपनाना शुरू किया। यथार्थ यानी कि उस दौर में साहित्य के तुरंत बाद, जब देश नया नया मुख्य रूप से आजादी की ओर बढ़ नहीं रहा था, प्रगतिवाद यानी कि 1936-40 से लेकर 43-45 का, तो 47 में आजादी मिली थी, आजादी के दौर में देश बढ़ रहा था, तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। एक तरह से आजादी प्राप्त करने की, उसे वहां पे हम देखते हैं उलट रूप से वह दो देश अलग करने की, वो हिंदू मुस्लिम वाली वह एक चल पड़ी,
उसके फिर उलट एक देखे तो जाति संप्रदाय में जो बटने लगी, छुआछूत, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, वह एक चलने लगी। तो इतनी कहते कोई जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष गिरता है आसपास थोड़ी सी हलचल होती है। तो उसी तरह एक भारत जो है मुख्य रूप से परिवर्तन की ओर, बहुत विशाल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था और उसमें बहुत सारी चीज घटित हो रहे थे। और उससे पहले के साहित्य में देखिए आपको कुछ नई कल्पना देखने को मिलती है छायावाद में। तो साहित्य आपसे यह उम्मीद करता है ना कि आप अगर साहित्य आपके साहित्य आपसे यह उम्मीद करता है, आपका समाज आपसे यह उम्मीद करता है कि आप साहित्यकार हो तो फिर समाज के लिए लिखो, समाज को दर्शाओ। उससे पहले क्या होता था, पर्वतों का, वृक्षों का, छायावाद में लोग देखते हैं ना, कल्पना बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे कल्पना को हटा करके यहाँ मुख्य रूप से आम जनमानस के जो जीवन में जो चीज घटित हो रहा था उसे रखने का प्रयास किया गया, उसे मुख्य रूप से दर्शाया गया। निराला ने अपने भिक्षुक जैसी कविता के माध्यम से दलित को देखें, दलित जीवन का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। प्रगतिवादी साहित्य मूल रूप से दलित पिछड़े आवाजों को स्वर प्रदान करता है। समाज दो भागों में बढ़ गया है। यहाँ जब हम देखते हैं इस दौर की बात करते हैं, यहाँ समाज मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाता है, एक शोषक और दूसरा शोषित। माने जो शोषक वर्ग है वह जो अपने से निम्न वर्ग है उसे शोषित करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए। उस दौर में औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, पैसे की चाह में भी। तो यह सब चीजें उस दौर में देखने को मिलती है। जैसा प्रगतिवादी कविता में धर्म और ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, जो आपको इसे पूर्व विवाह में देखने को मिलती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यथार्थ को आम जीवन में हम लोग देखते हैं क्या होता है, जो अमीर है वो गरीब पे शोषण करता है, हमने साहित्य में उसे स्थान दिया। तो यह जो है यह इस दौर की मुख्य रूप से कविताओं में आपको और हमें देखने को मिलती है, जहाँ पूंजीवाद का बहुत तेज विरोध किया जाता है। वो उसके आगे बढ़ के थोड़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे चर्चा कर ले। निराला जी का जो जन्म हुआ है मुख्य रूप से विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 1797 ईस्वी में फरवरी 21 21 फरवरी को बंगाल में हुआ था। वो छायावाद के चार महाकवियों में से एक थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी एक सरकारी कर्मचारी थे। निराला जी के बारे में बता दूं, निराला जी परिवार के बहुत बहुत प्रतिष्ठित परिवार के थे। उनके पिता जो थे वो साहित्य में अच्छी रुचि रखते थे, उनकी माता जो थी उन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा उनके घर पर ही हुई और इनके इतने सभ्य परिवार के थे, प्रतिष्ठित परिवार के थे, उस दौर में जिसे बंगाल साहित्य को बहुत ज्यादा संपन्न साहित्य माना जाता है, बांग्ला साहित्य, उस दौर के बड़े बड़े साहित्यकार इनके घर पे आते थे, रोज शाम को बैठक लगती थी, साहित्य पे चर्चा होती थी। तो यह सब उनके मतलब बाल्यकाल से ही यह साहित्य जो है उनके मानस में घर कर गया, उनके मानस में बैठ गया। और वो बहुत बेहतरीन एक आप और हम अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जरूर पढ़ें, बहुत बेहतरीन एक लेखक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे उनके प्रमुख अगर रचनाएं हैं, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास उनकी एक पीठ है जैसे पहले बताया था, उसे जरूर पढ़ेंगे। तो निराला जो है भीषण जीवन संघर्ष के सेनानी रहे हैं, इसलिए उनके काव्य में कोमलता का पूत प्राप्त नहीं होता। निराला की पत्नी का नाम मनोहर देवी था, वो बंगला, संस्कृत, हिंदी एवं ब्रज भाषा के ज्ञाता थे। मैंने कहा ना कि निराला की माता ने संस्कृत की शुरुआत से घर पर ही दी थी और बंगाल में रहने का बंगला उन्हें आती थी। इसके अलावा हिंदी एवं ब्रज के भी अच्छे ज्ञाता थे। संगीत एवं दर्शन शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली आदि उपन्यासों की रचना की है। वो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि वह पहले साहित्यकार हुए, साहित्य में यह माना जाता है कि वह पहले साहित्यकार हुए जिन्होंने मुक्त छंद में, उससे पहले की रचना जो छंद प्रवृत्ति में लिखी जाती थी, यह पहले ऐसे लेखक हुए जिन्होंने मुक्त छंद में लिखना शुरू किया। यानी छंद के सारे नियमों को उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें तोड़ के उन्होंने एक समाज को नया लेखन दिया जो वो मुक्त छंद माना जाता है, इसलिए उन्हें मुक्त छंद का परिवर्तक भी माना जाता है। उन्होंने हिंदी कविता में नए छंद एवं भाव भर के एक नया युग का आरंभ किया। उससे पहले वाले युग जो थे उसमें यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा आप भिक्षुक की मैं दो चार पंक्तियां सुना दूं जो आपके इसमें है कि भिक्षुक में वो कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पत्थर आता, पेट पीठ दोनों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही हो तो कोई एक टेक्स्ट मैसेज मुझे करके बताएं, क्योंकि करंट यहाँ बिजली यहाँ चली गई है।
तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मुझे टेक्स्ट कर दो। सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ जी रही है सर। थैंक जी धन्यवाद जी। यू चलिए तो सर। जी आगे बढ़ते हैं। तो भिक्षुक को बात करते हैं। भिक्षुक उन्होंने मुख्य रूप से, जैसे आप लोगों को पता है, जो भिक्षा मांगता है समाज में उसे साहित्य में भिक्षुक के रूप में कहा जाता है। तो भिक्षुक कविता उन्होंने भिक्षुक पे ही एक लिखी है। वो कहते हैं, वो आता दो टूक कलेजे के कहता पछताता पथ पर आता, यानी कि वह यानी कि भिक्षुक वो आता है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा है लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे की करता पछताता पथ पर आता। तो वह आता यानी भिक्षुक आता है दो टूक कलेजे करता, मतलब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसे आप देखते हैं तो आपके कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी बुरी अवस्था में वह है और पछताता, वो पछताता है पर पथ पर आता है। ये पछताते का मतलब आप किसी के समक्ष जब कुछ मांगने आते हैं थोड़ी सी खिचक आपके मन में जरूर आती है, मैं कैसे किसी के सामने मांगूंगा, लेकिन वही पेट की भूख है तो वो क्या करे, पहले तो पछताता है और वो आपके से फिर पथ पर अपने मतलब उसका जो मार्ग है मांग करके खाना भिक्षा मांगना, तो वो अपने मार्ग को वापस आता है। उसका आगे फिर वो चरित्र चित्रण करते हैं, वो किस तरह से दिख रहा है, तो पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यानी तो इतना दुर्बल हो गया है कि उसके पेट और पीठ में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लखुटिया टेक। आप लोगों ने कभी अगर देखा होगा पुराने दौर में जो किस तरह से लंगोटी, क्योंकि उतने अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए पैसे तो नहीं, भिक्षुक है तो वह जो लकुटिया यानी कि हल्के से जो वस्त्र है उसे वह धोती की तरह पीछे खोस लेना, यानी कि उस तरह से उसने पहना है वो, जिसे लकुटिया कहते हैं। तो चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह वापिस से पथ पर आ गया है। मुंह फटी पुरानी झोली की, मतलब झोली की जो मुंह है वह भी फट गई है, यानी कि इतनी बुरी स्थिति में उसके पास झोली है जिसमें वह अनाज मांगने को, भिक्षा मांगने को समाज में आया है, पथ पर आया है, मुख्य पथ पर उसकी झोली है, वो इतनी ज्यादा फट गई है कि उसको कोई चीज कैसे समेटेगा। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चा भी है साथ हाथ फैला, यानी कि वो अकेले नहीं है, वो भिक्षु के साथ उसके दो बच्चे भी हैं, वो भी हाथ फैला रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, यानी बच्चे इतने भूखे हैं कि उनकी जो भूख है उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, इसलिए वो अपने पेट को मलते हुए आगे चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, दाहिना हाथ जो है लोगों के समक्ष बढ़ा रहे हैं दया दृष्टि, यानी कोई उस पर दया करके कुछ भिक्षा दे दे, इस वजह से अपने हाथ फैला रहे हैं दाहिना हाथ लोगों के समय। तो दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने को और बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते हैं, यानी इतने भूखे हैं कि उनके होठ भी सूख जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कि आप और हम यहाँ कहने का है कि आप और हम ईश्वर की इतनी तो प्रार्थना करते हैं, आज आप हम इतनी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन जब हम भिक्षुक की बात करते हैं तो दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कि वह मांगता है हाथ फैला करके, भूख से उसके होठ वगैरह सूख गए हैं, तो क्या दाता भाग्य विधाता से कुछ पाता है, यानी हाथ तो फैलाते हैं, क्या हर कोई उन्हें कुछ देता है, नहीं। यहाँ पर हम समाज में देखते हैं हमारे समक्ष कोई दिख जाए हम लोग कहते हैं चलवा गया सर, इस तरह के शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही पे वो कह रहे हैं कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाता, घुट आंसुओं के पीकर रह जाते, क्योंकि भूखा है वो किसी के समक्ष मांग रहा है, लेकिन वो कहता नहीं है कि अरे तू क्यों मांग रहा है, तू तो अच्छा खासा है, चल तू तो काम कर, या एक चुका हम लोग खसते हैं। तो घुट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल हुए कभी सड़क पर खड़े हुए। जो स्थिति है आप और हम समाज में देखते हैं, कोई नई स्थिति है नहीं। इसके लिए आप लोग जूठन भी कभी पढ़े, मौका मिले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत दर्दनायक उन्होंने लिखा है, जिसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह चीज मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वही चीज है कि चाट रहे जूठी पत्तल हुए कभी सड़क पर खड़े हुए, खाना नहीं मिला तो क्या करेंगे, सड़क पर जूठी पत्तल पड़े हुए उसे वे खा रहे हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, यानी कि उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि वो जो पत्तल कौन है, वो एक तरह से जानवर कुत्ते खा रहे हैं, इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उन्हें अपने भूख को मारने के लिए वो पत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी पत्ते उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिल रहे, उसके लिए उन्हें उन कुत्तों से लड़ना पड़ रहा है। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु, जैसे हो सकोगे तुम तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। जहाँ पे कभी कहते हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, मतलब लोगों के पास तो हो नहीं हो, मेरे हृदय में बहुत अमृत है, यानी कि बहुत तुम्हारे प्रति बहुत सहानुभूति है,
मैं सींच दूंगा, मतलब मैं अमृत से तुम्हारे भूख को सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। यानी कि अभिमन्यु को आप लोगों को पता होगा ना, महाभारत के रण में बहुत लोग लड़े, बहुत लोग वीरगति को प्राप्त हुए, पर अभिमन्यु जैसा एक तरह से मैं कहूँ अभिमान या एक उपाधि किसी को प्राप्त नहीं हो पाई जो अभिमन्यु को प्राप्त हुई। तो वही कहते हैं कि अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय से सींच लूंगा, मतलब मैं अपने अमृत से तुम्हें सींच दूंगा, लेकिन क्या तुम अभिमन्यु जैसे हो सकोगे, तुम लड़ सकते हो अकेले इस समाज से, तो हाँ मैं तुम्हारे सारे दुख हैं उसको अपने हृदय में खींच लूंगा। तो यह कवि ने एक समाज में एक तरह से भिक्षुक समाज को, ये जो भिक्षा मांगने वाले जो समाज होते हैं उन पे अपने एक रचना लिखी है, एक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे मैंने समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, आशा आपको समझ में आ गया। अंत में आगे बढ़ते हुए, एक हमारे पास लगभग 12:24 हो गए, 12:30 बजे का टाइम है, मैं 10 मिनट आपसे लूंगा, अंत में आज्ञा पे चर्चा करूंगा, उसके उपरांत हम लोग प्रश्नोत्तरी पे आएंगे। तो आज्ञा की जो रचना रही है वो प्रयोगवाद के अंतर्गत आती है, हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ मुख्य रूप से 1943 ईस्वी से माना जाता है, जिसमें तार सप्तक मुख्य रूप से, जैसे आपको पता होगा कि तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक के आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसके जो प्रकाशक थे वो अज्ञेय थे। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अज्ञेय का व्यक्तित्व क्रांतिकारी था, वे थोड़े से मार्क्सवादी विचारधारा, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, और उसी कारण उनका जो अज्ञेय का जो व्यक्तित्व था वो क्रांतिकारी था। विद्रोह भावना उनके साहित्य में आपको हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अज्ञेय ने 3 तार सप्तक निकाले। अज्ञेय के प्रमुख काव्य कृतियों में भगनदूत, चिंता, इत्वलम, हरिघास, प्रछंबर, बाबरा हेरी, बाबरा हेरी बहुत अच्छी रचना है, जरूर पढ़िएगा, बाबरा हेरी, आंगन के पार, द्वार आदि है। तो निराला ने 3 उपन्यासों की रचना की, यथा शेखर एक जीवनी, जिसे दो भाग में हम लोग कहते हैं, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अज्ञेय ने निबंध, यात्रा, वृतांत, गीत, नाट्य आदि अनेक विधाओं में रचना की है। निराला ने तो मुख्य रूप से जो रचना की, इसके उपरांत अज्ञेय को हम देखते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद में हल्की फुल्की रचना आपको निराला की भी देखने को मिलती है। निराला आपने देखे कितने प्रतिभावान जो लेखक थे निराला, क्योंकि निराला की बहुत सारी रचना आपको छायावाद में देखने को मिलती है। वहीं जब आप और हम थोड़ी आगे बढ़कर प्रगतिवाद की चर्चा करते हैं तो वहां भी उनकी प्रगतिवाद के तो मुख्य कवि के रूप में देखने को मिलती है, जहाँ वे मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में अपनी रचनाओं में छंद बिना लिखते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो आगे बढ़कर के उनकी बहुत सारी रचना आपको प्रयोगवाद के अंदर भी देखने को मिलती है। प्रयोगवाद का मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयोगवाद के उपरांत प्रगतिवाद के उपरांत प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है, मतलब एक काल खत्म होते हैं लगातार, जैसे 3 काल के हम लोग कवियों को यहाँ पढ़ रहे हैं, छायावाद, छायावाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रगतिवाद, प्रगतिवाद से फिर यहाँ प्रयोगवाद, तो प्रारंभ यहाँ उसके विरुद्ध, प्रगतिवाद से थोड़ा उलट उसके विरुद्ध, या उसके उन प्रगतिवाद ने जो जो चीज छोड़ दी थी उसको प्रयोगवाद ने अपनाना शुरू किया। तो प्रगतिवादी कवि जिन विचारधाराओं के साथ साहित्य की रचना करते थे उन्हीं विचारधाराओं को प्रयोग में लाने का कार्य प्रयोगवादी कवियों ने किया। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद का समय सीमा सन 1943 ईस्वी से सन 1953 ईस्वी तक के कालावधि को बताया है। वहीं अज्ञेय ही वे कवि व लेखक हैं जिन्होंने तार सप्तक की स्थापना की, एवं तार सप्तक के प्रारंभ से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद पर पूर्ण रूप से प्रभाव मार्क्सवाद का देखा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा ना, अज्ञेय पूर्ण रूप से मार्क्सवादी विचारधारा के अपना चुके हैं, उनके उनके लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा आपको बहुत जबरदस्त रूप में देखने को मिलती है। तो जहाँ विचार दलितों के ऊपर उठता ही है, मतलब इन काव्यों में दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा गया है, सदियों से जो कलील तथा तथाकथित दबे कुचले लोग हैं उन पे इस काल में बहुत ज्यादा लिखा गया है। साथ ही साथ इस दौर में भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकतावाद, इन सब पे भी बहुत ज्यादा लिखा गया है इस दौर में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस दौर में धीरे धीरे औद्योगिकीकरण आ रहा था, तो जो शोषण वर्ग था, पूंजीवाद वर्ग बढ़ रहा था, तो पूंजीवाद जहाँ बढ़ेगा वहां पे शोषण भी बढ़ेगा, तो समाज में जो दबे कुचले वर्ग थे उनका शोषण वगैरह भी लगातार बढ़ते गए, तो उन सबों के विरुद्ध, उन सबों के अः विपरीत, उन सबों के विरुद्ध में इस तरह की रचनाएं अज्ञेय ने आरंभ की। और अज्ञेय के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 1911 ईस्वी में उनका जन्म मुख्य रूप से होता है, और ये इनका पाठ्यक्रम मुख्य रूप से उनके हिरोशिमा,
कविता हिरोशिमा के बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दो ऐसे राज्य थे जिस पर ऊपर न्यूक्लियर बम परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका आप लोग आज भी बहुत सारा जगह आप लोगों को पढ़ने में मिल रहा होगा कि वहां पे उसकी स्थिति आज भी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। मुख्य रूप से वह थोड़ा सा बेहतर हो गया, समाज प्रगतिशील समाज है तो थोड़ा बेहतर हो गया, तो उसका प्रभाव जो है वहाँ के नव जो नए आने वाले जो पीढ़ी है, तो बच्चों के रूप में हो चाहे वृहत के रूप में हो चाहे किशोर अवस्था के रूप में है, थोड़ी सी उनकी शारीरिक रूप से वह आपको आपके और हम जैसे सामान्य नहीं असामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। उसका कारण मुख्य रूप से उस दौर में जो परमाणु बम गिराया गया था उस कारण हुआ है। तो मुख्य रूप से इस पर हम पहले चर्चा कर ले इसमें क्या कहते हैं अज्ञा जी। तो हिरोशिमा जो है उसके ऊपर आपके पाठ्यक्रम में कविता है, और कविता इस तरह से है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसे पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यानी कि यहाँ पे वो हिरोशिमा की चर्चा करते हुए कहते हैं एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज आप और हम किसी के दिमाग में जब कहा जाए कि सूरज निकला तो हम लोग ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं अरे क्षितिज पर नहीं यानी कि आसमान पे नहीं नगर के चौक पे, सूरज जो निकला है वो नगर के चौक पे निकला है, धूप बरसी है पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। माने मिट्टी फटी से मतलब फटी मिट्टी का इतना, यानी कि जब इतना प्रभावी एक बम गिरता है, किसी हथियार गिरता है उसका किस तरह से, क्योंकि हिरोशिमा को वहां पर रह के तो किसी ने बहुत देखा नहीं है, क्योंकि जो वहां रहता तो वो एक तरह से मृत्यु काल में समा जाता, तो एक तरह से उससे शब्दों में उसे अपने क्रांतिकारी शब्दों में उन्होंने अज्ञा ने संजोने का प्रयास किया। तो उसी को देखते हुए कहते हैं कि इतना बड़ा बम जो आज लगभग 100 साल बाद भी प्रभाव देखने को मिलता है कि वहां के जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग रूप में पैदा होते हैं, तो कितनी प्रभावशाली उस समय की बम रही होगी। इसीलिए वो लिखते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक में, धूप बरसे पर अंतरिक्ष नहीं फटी मिट्टी से, छपाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर छपाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी होक होकर, मानव ही सब भाप भाप गए, छपाए तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थर पर उजड़ी सड़कों की गत पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई वह जली हुई छाया मानव की साकी। यानी कि परमाणु बम तो वहां पे गिरा, लेकिन परमाणु बम ने वहां पे जो लोगों हैं जो मानव का इतिहास है उसे मिटा करके रख दिया, जिसकी जो गवाही है आपको कोई लोग तो दे नहीं सकते, क्योंकि जो लोग वहां होंगे वो सबके सब काल में समा गए होंगे, तो उसकी गवाही आपको कौन देगी, उसकी गवाही आपको पत्थर पर लिखी हुई और जली हुई छाया देगी जो मानव की साखी है, यानी कि साक्ष्य है यहाँ पे मानव थे। और वह इतना प्रभावशाली वह बम रहा कि सड़कें उजड़ गई, पत्थर झुलस गए, पत्थर जिसे हम देखते हैं इतना प्रहार करना पड़ता था वो टूटता है, तो वही कहते हैं कि वहां की सड़कें उजड़ गई, वहां के पत्थर झुलस गए, वहां जो मानव की जो छाया है मानव की जो छापा है यानी कि जेरोक्स कॉपी जो मानव की है वह तक नहीं बची, वह भी मिट्टी में कहीं ना कहीं समा गई। कुछ क्षण वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर मतलब वह दोपहरी ऐसी थी कि उसने सारे मानव की जो दृश्य थी यानी कि मानव कैसा होता है उसे तक अपने आप में समाहित कर लिया, मानव की कोई छवि तक नहीं छोड़ी। तो इतना विनाशकारी वह घटना हुई थी जिसे उन्होंने अपने साहित्य में डाल दिया। उनका यह कहना था कि कोई भी झगड़ा कोई भी द्वंद इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप पूरे के पूरे एक मानव वंश का पूरे के पूरे एक मानव जाति का पूरे के पूरे एक समाज का विनाश कर दो, और विनाश इतना घातक कि आने वाले 100-150 साल वहां के जो नव जो सपूत जो नव निर्माण हो रहा है मानव के रूप में वह कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अपंग रूप में पैदा हो जन्म हो। यह एक उनके मन में आज्ञा के मन में उस समाज के प्रति जिस समाज ने इतना प्रभावशाली एक बम बनाने के ओर बढ़ा उसे फिर इस्तेमाल किया उसके प्रति उनके मन में द्वेष रहा है, जिसे उन्हें आपके उन्हें
कविता में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये जो मुख्य चर्चा थी, मुख्य रूप से चार कवियों पे आपके पाठ्यक्रम में, तो मैं यहाँ उस पे चर्चा करने में जितना सफल हो पाया हूँ वो मुझे नहीं पता, पर मैंने उससे जितना हो पाया कबीर तुलसी प्रसाद निराला और अज्ञेय के संबंध में मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। इसके इतर अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप के सादर आमंत्रित है, आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न वगैरह रख सकते हैं। मैं अपने वाणी को, अपने व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ। अब आपकी बारी, आप अपने प्रश्न वगैरह को रखें। एक प्रश्न मुझे लिखने को मिल रहा है, वसुंधरा मेहर जी ने लिखा है, प्रगतिवाद और प्रगतिशील, प्रगतिवाद और प्रगतिशील क्या अंतर है जी? इससे संबंधित और किन्हीं कोई प्रश्न है तो रखिए, मैं एक साथ उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चलिए कोई नहीं, मैं पहले इनके उत्तर दे दूं, उसके उपरांत फिर चर्चा करूंगा। देखिए वसुंधरा जी, आपका प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है, और पहली चीज आपको बता दूं कि प्रगतिवाद की जो हम बात करते हैं तो प्रगतिवाद जो है वह मुख्य रूप से साहित्य में छायावाद के विरुद्ध एक नई चेतना के साथ आता है, क्योंकि उससे पहले जब हम देखते हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग, तो उस युग में जो है उस युग में मुख्य रूप से रचनाएं जो होती थी प्रेस, क्योंकि उस रूप में मुख्य भारतेंदु युग में मुख्य रूप से प्रेस आया, वहां से खड़ी बोली जो है आरंभ होती है। उससे पहले ब्रज और अवधी में ही ज्यादातर रचनाएं होती थी, तो वो उन्होंने समाज में जो जो समाज का यथार्थ उसे रखने का प्रयास किया। तो वो यथार्थ मुख्य रूप से वो जो काल था वो प्रेस, न्यूज पेपरों और पत्र पत्रिकाओं में सीमित रह गया, वो इतना ज्यादा यथार्थ और प्रभावी ढंग से समाज में नहीं आ पाया। उसके उपरांत छायावाद, छायावाद पूर्ण रूप से कल्पना था, और जब हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो छायावाद से समाज कुछ नया या कुछ उससे समाज को कुछ नहीं मिल रहा था, वो अपने आप में कल्पना वाली दुनिया थी। इसी कारण था ना, यही कारण था कि छायावाद जो है 1836 के बीच समेट गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद मुख्य रूप से समाज के यथार्थ को दिखाने का काम किया, यह है प्रगतिवाद। तो प्रगतिशील जो है वह जो प्रगति हो रही है उसे रखने का, प्रगतिवाद और प्रगतिशील में अंतर से दिखता है, प्रगतिवाद ने यथार्थ को रखा, प्रगतिशील जो है वो समाज जिसे आप कहते हैं प्रगतिशील समाज ने शोषण को सिर्फ रखा, प्रगतिवाद ने सिर्फ सीमित नहीं रहा यथार्थ को दिखाया। यथार्थ में नारी की भी स्थिति देखने को आपको मिलती है, आपको जाति प्रथा भी देखने को मिलता है, आपका आपको भाषा के बीच में जो लोगों में अंतर हुआ देखने को मिलता है, शोषण शोषित वर्ग देखने को मिलता है, पूंजीवाद देखने को मिलता है, सामंतवाद देखने को मिलता है। प्रगतिशील के अंतर्गत आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से जो समाज में आना शुरू हुई वह देखने को मिलता है। तो यह भिन्नता रही, प्रगतिशील मुख्य रूप से एक चीज पर सीमित रह गया, यथार्थ में भी हुआ सिर्फ और सिर्फ एक समाज पर सीमित रह गया, प्रगतिवाद में एक समाज पर सीमित नहीं रहा, वो संपूर्ण के पूरे समाज के यथार्थ को रखा। तो यही अंतर रहा, अंतर विशेष कुछ नहीं है। प्रगतिवाद ने भी यथार्थ दिखाया, प्रगतिशील ने भी यथार्थ दिखाया। प्रगतिशील का यथार्थ जिस मुख्य रूप से सिर्फ है वो शोषण और शोषित पर रह गया, शोषण और शोषित यानी कि औद्योगिक क्रांति पे सीमित रह गया, औद्योगिक क्रांति को उसने दिखाया। प्रगतिवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्रांति पे सीमित नहीं था, उसने समाज के अन्य अन्य मुद्दों को भी रखने का प्रयास किया। यही मुख्य अंतर रहा है प्रगतिवाद और उपयोगवाद में। चलिए इसके तहत तो मुझे और कोई प्रश्न आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रश्न रहता है तो धीरे धीरे तेजी से आप लोग लिखते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस कक्षा को हम समापन की ओर लेकर के जाते हैं। प्रीति जी ने धन्यवाद लिखा, धन्यवाद आपका भी प्रीति जी, आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और हमारी तकनीकी सहयोगी रुनिता प्रधान मैम जो आज है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना समय दिया। थैंक यू रुनिता मैम, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, और यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप लोग चाहें तो अपने एंड से अपने कॉल को समाप्त कर सकते हैं, यह दौर महामारी का इसमें थोड़ा सा बचाव करें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उड़ीसा में बहुत तेजी से
संख्या बढ़ रही है, तो उससे थोड़ा सा बचे रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हाँ, मैं कहना भूल गया, आप लोगों को सोमवार की बहुत बहुत बधाई। सावन मास की महीने की पहली सोमवार है, तो इसका आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, खूब पढ़ें, प्रश्न पूछें, कक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।